कंसेप्ट बताइए परियार जी। जी परियार सर जी, एसवी जी परियार सर जी। जी हाँ जी सर, अभी कंसेप्ट। तो हाँ जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप कृपया शुरू करें सर। सभी विदा पीपल में साथियों को बहुत बहुत जय भीम नमो बुद्धाय। सर माइक बंद कराए सर, पहले सबके माइक बंद है अभी सभी के। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, उसमें उसके बाद खोल लेना आप परियार सर। जी सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। वी द पीपल, हम भारत के लोग, ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, इसकी क्या क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये जो संकल्पना है इसका उद्देश्य क्या है, ये सब बताने के लिए मुझे संघ के आदेश हुए हैं। तो मैं इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बताना चाहूँगा। देश को आज़ाद हुए 74 साल हो चुके हैं और देश को संविधान देश में लागू हुए 71 साल हो चुके हैं। देश को जो हम भारत के लोगों द्वारा बनाया गया, हम भारत के लोगों के लिए बनाए गए संविधान के अनुसार जो काम करना था हमारे शासक वर्ग को, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघ व्यवस्था से जो चलाना था, इनिशियल स्टेज में हमारे जो शासकों ने उसके अनुसार संविधान के अनुसार ही कोशिश की, चलाया भी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो सभी अपनी इच्छा अनुसार या अपने जो भी उनको ठीक लगा उस अनुसार देश की शासन व्यवस्था को चलाने लगे। संविधानिक तौर पे जो संविधान के अनुसार जो उनको काम करना चाहिए था उससे धीरे धीरे वो दूरी बनाने लगे, और इससे जो संविधान के अनुसार नहीं चलाने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, बहुजन समाज को हुआ, हम सभी लोगों को, माइनॉरिटी को हुआ है। और जो संविधान में आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक जो भी इक्वलिटी या जो हमारी प्रावधान लागू थे उनमें से आर्थिक और सामाजिक पे हमारे शासकों ने बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई उनकी, उनको प्रॉपर लागू करने के लिए। और हमारे जो प्रतिनिधि जो भी थे उन्होंने अपनी जनता के प्रति जो उनके कर्तव्य थे उनको वो धीरे धीरे भूलने लगे और अपने समय के साथ स्वार्थ पे आ गए, वो अपने स्वार्थ के अनुसार कार्य करने लगे, जिससे हमारे जो अधिकार है वी द पीपल के वो लगभग मिले नहीं, छीने गए, या लगभग ये कह सकते हैं हम संविधान लागू होने से पहले ही, संविधान में जो प्रावधान थे लागू करने से पहले ही छीने जाने लगे हैं। और मिलना तो दूर की बात है, छिनना शुरू हो चुका है। इसमें शासन में हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो हमारे अपने प्रतिनिधि मानो या जो भी सभी के, उन्होंने वो जो भी वी द पीपल की सरकार नेता रहे हैं या हम हमारे जो अधिकार है उनके बारे में उन्होंने सोचना बंद कर दिया, और असंवैधानिक जो कार्य है उस वो जो हो सरकार कर रही थी उसको हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी उनका साथ दिया। और जो लगभग सभी असंवैधानिक कार्य जो हो रहे हैं उनमें हमारे प्रतिनिधि भी बिल्कुल उनका साथ देते हैं। इसी तरह हमारे जो संगठन बने हैं अलग अलग फील्ड में, राजनीतिक जो कर्मचारी संगठन है या धार्मिक संगठन है या सामाजिक संगठन है, वो जैसे जैसे शुरू हुए उन्होंने भी शुरुआती दौर में अच्छा काम किया। हम उनकी जो कार्य किया है समाज को जागरूक करने लिए अधिकारों के प्रति, उनको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, उन्होंने अच्छा काम किया इनिशियल स्टेज में, लेकिन धीरे धीरे उनकी कार्यशैली भी इस जैसे राजनीतिक लोगों की शासक वर्ग की हुई उसी तरह उनकी भी बदलती गई, और धीरे धीरे उन्होंने भी अपने स्वार्थ के लिए जो राजनीतिक लोगों के साथ या जो नहीं हमारा साथ हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे उनके साथ मिलके उन्हीं के साथ उसी तरह की कार्यशैली बना ली,
और जो भी छोटे मोटे अपने कार्यक्रम है, साल में कोई बाबा साहब का मतलब हम कह सकते हैं कि जो जन्म दिवस मनाना है हमारे महापुरुषों की, कोई भी किसी तरह का कार्यक्रम है उसमें उन्होंने उनके अपने नेताओं को बुलाते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं और उनको उनसे कुछ पैसे के लालच में अपना ले लेते हैं बस। उसके अलावा वो उनको आगाह नहीं करते, रोष नहीं जताते कि हमारे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, इतनी जून जातियां होती जा रही समाज के साथ। और उसके प्रति जो हमारे सामाजिक संगठनों के जो कर्तव्य है और उसको दिलाने के लिए उन वो फ्री हैं कि जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति शासक वर्ग है, उनके प्रति रोष जताए, लेकिन उन्होंने वो सब नहीं किया और उनके साथ मिलके हमारे अधिकारों की कोई आवाज उठाना ये सब बंद कर दिया है। तो ये सब और उनको बुला के झूठे गुनगान करते हैं, दो पैसे लेने के लिए भी पैसे मिल जाएंगे हमारे, उसके बाद कोई बिल्डिंग बना लेंगे, उसके अलावा उनको और कोई चीज हमारे अधिकार जो छीने जा रहे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता कोई भी। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे संगठन है, लगभग 30 लाख संगठन हो गए हैं और वो बहुजन अधिकारों को बचाने की बात बिल्कुल नहीं करते हैं और उनका अपना स्वार्थ है, अलग अलग खड़े रहते हैं। जब तक उनको अपनी जो जो सिद्धांत उनको अपनाना चाहिए कि इकट्ठा होंगे तो इकट्ठा होने की बजाय अलग अलग काम करते हैं, किसी भी अधिकारों के अधिकार के या कोई जुम जाती है और ये तो इकट्ठा होने के अलग अलग प्रदर्शन करते हैं। कहीं भी एक जगह प्रदर्शन करना कोई होगा तो सब अपना अपना समय पूछेंगे, अलग अलग समय पे जाएंगे, तो इसलिए उसका कोई जो भी सरकार अपने शासन में सरकार होती है उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंडिविजुअल अलग अलग संगठन प्रदर्शन उनको पता है कि अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। जिस दिन ये संगठन सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे अधिकार बचाने में वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी स्वार्थ है, अपनी मानसिकता है, उनका प्रधानगी है, कोई प्रधान है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, उनका अपना अहम आम जनता से ज्यादा ऊपर है उनके हिसाब से, इसलिए वो इकट्ठे नहीं होते या इकट्ठे होने की बात करते हैं तो उनके मन में यह है कि पहले मेरा क्या होगा, मेरा पद क्या होगा, इकट्ठे होते हैं तो उनमें इस तरह की सारी भावनाएं हैं और ये उनका जो सोच इस तरह की हो रही है। तो इसलिए सरकार कोई भी हो धड़ल्ले से हमारे जो कह सकते हैं कि रोज जुर्म जातियां हो रही है, रिजर्वेशन खत्म की जा रही है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही है और कोई भी आवाज नहीं उठ रही है, सब चुपचाप, नेता भी संगठन भी आंखें बंद करे या मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं और सब संगठन तो इतने अलग अलग कह सकते हैं कि ऐसे बिल्कुल मैदान में खड़े हो रहे हैं, नंगे हो गए, कह रहे हैं कि हम तो भाई अलग अलग हैं, हमें तो कोई यूज करो, कोई हम इकट्ठे नहीं होने वाले। वो अगर दिखावे के लिए भी इकट्ठे हो जाते हैं ना तो भी हमारा काम बन सकता है, क्योंकि एक अगर हम देखा जाए तो इकट्ठा होने में क्या ताकत है, एक मोहल्ले में की बात करें हम, एक परिवार की बात करें, मोहल्ले में अगर सभी लोग गांव की बात करें इकट्ठे हों और अगर गांव में पता हो भी ये सब इकट्ठे हैं तो जुम जातियां नहीं करते, उन्हें पता है कि अगर कुछ बात हुई तो सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे। जैसे ही उन्हें कोई हमारे आपस में मतभेद हो जाते हैं गाँव में या मोहल्ले में जैसे, तो फिर उनपे जुम जातियां शुरू हो जाती है। इसी तरह ये कह सकते हैं कि देश के लेवल पे भी यही हाल है। तो ये जितना कुछ हमारे रोजगार खत्म हो रहे हैं, सरकार का काम होता है कि सरकारी तंत्र को जो बढ़ावा देना, लेकिन यह सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एक उनकी सोची समझी चाल के तहत कि रिजर्वेशन खत्म करनी है, बाकी हमारे लोगों के पास, समन समाज के पास कह सकते हैं खासकर SC ST के पास कोई जमीने नहीं है, किसी तरह के को और उद्योग धंधे नहीं है, सिर्फ कुछ फील्ड है उन वहां से भी ये हमें कह सकते हैं कि दूर करना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो संगठनों को कुछ साथी हमारे विदा पीपल से या इस कंसेप्ट के थ्रू कुछ लोगों ने सोचा कि इनसे बात की जाए, तो नेता लोगों को इकट्ठा भी करने की कोशिश की गई,
संगठनों को तो कह ही रहे हैं, लेकिन वो सब उन्होंने अपने अहम के कारण इकट्ठा होने से मना कर दिया या कोई रुचि नहीं दिखाई। तब ये सोचा गया कि क्यों न हम जनता को जागरूक करें, तो उसी मुहिम के तहत ये वी द पीपल को एक कंसेप्ट है इसको शुरू किया गया जूम के थ्रू, क्योंकि अभी जब स्टार्ट किया था तो कह सकते हैं हम ये कोविड के कारण पॉसिबल नहीं था फिजिकल, और मैं तो कहता हूँ कि जूम का जो है इसकी ज़्यादा एफिशिएंसी है, ज़्यादा दूर दूर से लोग, बहुत टाइम बचता है, पैसे भी बचते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है फिलहाल तो है। फील्ड में अलग अलग जाएँ चाहे, लेकिन एक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, एक सिस्टम अच्छा है जिससे देश विदेश से बैठे भी हम आपस में, जैसे कभी गाँव में बैठते थे दादा पोता बेटा सब बातें करते थे मिलके, और उस टाइम जो साधन थे या ज्ञान बढ़ता था, डेवलपमेंट होती थी, वो इसी तरीके से होती थी। तो उसी तरह से हम, मुझे फील होता है कि उसी तरह हम यहाँ बैठते हैं, अब दूर दूर से हम सब भाई बहन और बुजुर्ग सभी बैठ के बातें करते हैं, एक संगति है और अच्छी बातें सीखने को मिलती है। पंचशील के बारे में हम सीखते हैं, जितने और ज्ञान की बातें सारी हमें सीखने को मिलती है। अगर कोई भाई जो भी है या नए जुड़ते हैं, वो सोच ले कि ये जुड़ने यहाँ आने से इंट्रोडक्शन ही काम नहीं है, यहाँ आएंगे तो परिवार सुधरेंगे, पंचशील है, बहुत सारी और शिक्षाएं हैं, सब हम संघ व्यवस्था से चलने की बात करते हैं, संविधान को मानने की बात करते हैं। जब हमारा घर में पंचशील अपना लेंगे तो शांति आएगी, फिर अपने परिवारों में आपसी मतभेद है वो ठीक होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होगी, इससे क्या घर में आपस में प्यार बढ़ेगा और उससे यूनिटी की एक भावना आएगी, एकता की भावना आएगी। जब परिवार में आएगी तो एज ए समाज में भी वो यूनिटी की भावना आएगी। हम अपने इकट्ठा होके जितने संगठन या पार्टी, उनको हम आह्वान कर सकते हैं, या तो इकट्ठा होके हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे को जो भी हमें चैलेंज करना है अभी, हम जो बाकी उस संगठन के लोग हैं उनको हम समझाएं कि तुम इकट्ठे हो जाओ, और जब हम इकट्ठा होंगे तो कुछ बात करते हैं कोई कि उद्देश्य क्या है इसका, नेता कौन है, तो नेता हमारा संविधान है, क्योंकि संविधान के अनुसार चलना है हमें। कोई कहता है कि आप ये तो किताब है अभी इससे क्या होगा, जब संविधान सबको इतना पूरा देश चलता है उसकी व्यवस्था से, तो उस व्यवस्था को मानना है हमें, कोई नेता है। और इसी तरह कोई कहता उद्देश्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, सबसे बड़ा विजन है कि हमें जुड़ना जोड़ना है, जब जुड़ जाएंगे इकट्ठे होंगे तो मिलके हम अपना विजन बनाएंगे, न कि पहले विजन और फिर लोगों को जोड़ के रूस में बाध्य करें, हम सब सब मिल जाएंगे जुड़ेंगे तो हम मिलजुल के जो उद्देश्य है या विजन करेंगे बनाएंगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और यहाँ पे जब जुड़ते हैं सभी, अपने बाकी काम है वो साथ साथ करते रहना है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, इंटरप्रेन्योर है, लीगल सेवाएं हैं, किसी भी तरह के स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं या प्राइवेट हैं, वो सब अपना काम करते रहना, लेकिन उनकी जो भावना जो मन में है वो एकता की भावना आ जाए उन सब में। और अभी जैसे आपस में कहीं ना कहीं हम मतभेद रखते हैं तो वो दूर करें हम, और एकता की भावना आएगी, उससे क्या होगा कि यूनिटी बढ़ेगी। इसी तरह नेता लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं फिर अल्टीमेटली उनको क्या होगा, वो भी हो सकता है बाध्य हो जाएं, नहीं है तो ठीक है हम अपना वी द पीपल हैं, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, इकट्ठे होंगे और जीतेंगे, जब जब जैसे जैसे हम जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। ये तो हम कह सकते हैं कि हमारी पुरानी संघीय व्यवस्था, संघ के अनुसार हमें काम करना है, और संघ की विचारधारा से अगर हम सब इकट्ठे होंगे उसी को फॉलो करते रहेंगे तो हमारा अच्छा संघ होगा, हमारा जो फर्दर कुछ भी काम होगा वो अच्छा काम, किसी भी फील्ड में हम काम करेंगे, इवन हम हो सकता है आगे हमें हमारे नेता जब कुछ नकारा होंगे तो इकट्ठे होने के बाद एक अच्छी नेतृत्व उभरेगा अपने आप, तो वो अच्छा नेतृत्व होगा, देश को अच्छा चलाएंगे, संघ व्यवस्था से चलाएंगे, पंचशील के सिद्धांतों पे चलाएंगे, संविधान के अनुसार देश को चलाएंगे, तो सब सबको सुख मिलेगा।
यही इसकी एक संकल्पना कह सकते हैं, ये वी द पीपल का जो है मेन उद्देश्य है। और जुड़ेंगे जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे जब जब जीतेंगे, ये पुराने टेस्टेड चीजें हैं पुरानी, जब जो भी यूनिटी है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे जुड़ेंगे जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे जीतेंगे, जो जो जुड़ेंगे वो ही जीतेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, बुद्धाय, धन्यवाद। एक ही दोहरे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सभी। हाँ जी सर जी, आप हाँ बोले। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, आपको भी जी। तो हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर, आ रही है। तो मैं जो भी इंटरप्रेनर्स जुड़ रहे हैं, जीएसटी से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो कृपया हमसे संपर्क करें, और हमारा नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी है। तो मैं इस समय बनारस में जॉइंट कमिश्नर जीएसटी में तैनात हूँ। हमारे जो इंटरप्रेनर्स हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को रख के हमसे जरूर राय ले सकते हैं, तो हम उनको अपनी राय जरूर देंगे, क्योंकि हमारा मिशन आर्थिक समृद्धि, हमारा समाज आर्थिक समृद्धि की तरफ कैसे जाए, आगे आने वाला भविष्य निश्चित रूप से आरक्षण के भरोसे नहीं चल सकेगा। हमें निश्चित रूप से बिजनेस की ओर ही उन्मुख होना पड़ेगा, और बिजनेस की ओर उन्मुख होने के लिए निश्चित रूप से हमारे नए आने वाले लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप देनी है, और उनसे समाज का कनेक्शन मस्ट है। कनेक्शन मीन्स उसका उपभोक्ता, उसका मार्केट, क्योंकि उसको प्रचार प्रसार से वी द पीपल जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट बिजनेस के माध्यम से हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक, हर ग्राम स्तर पर जाए, तो उससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, उससे समाज का निश्चित रूप से आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास के साथ राष्ट्र का विकास होगा, क्योंकि हमारे वी द पीपल के जो संबंधित समाज है, निश्चित रूप से वही वंचित है। उस वंचित समाज के लिए हम जब मिलके वी द पीपल एज यूनाइटेडली जब हम काम करेंगे, निश्चित रूप से हम सफल होंगे और हम अपने समाज के लिए कुछ काम कर पाएंगे। तो मेरा मिशन यही है कि मैं जिस तरह से अपना वर्क कर रहा हूँ, वर्क के साथ एक लॉर्ड बुद्धा बैंक का मिशन लेके चल रहा हूँ, तो वो तो पैरेलल चल रहा है, उसके सदस्य बनाए जा रहे हैं, और आगे आने वाले भविष्य में मकसद यही है कि छोटे छोटे बेरोजगार युवकों को जो हमारे समाज से, उनको लोन मुहैया कराना, जिनके लिए तमाम पपड़ मिलने पड़ते हैं, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दें जिससे उनको लोन मुहैया हो सके और अपना बिजनेस वो खड़ा कर सके। ये उद्देश्य है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारा ये सामाजिक एक काम चल रहा है, जिसको हम बहुत जल्दी ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑपरेशनल लाइसेंस है उसको प्राप्त करेंगे, देन हम फील्ड में आएंगे। यही हमारा संक्षिप्त परिचय है, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर जी, बहुत बहुत आपका जो दौरे साहब। जी हाँ जी हाँ, थोड़ा सा 5 मिनट में ना लोगों को, चूंकि आज बिजनेस का भी है, ये थोड़ा बता दीजिए कि इसमें रिस्क कितने परसेंट है और क्या चीज है, क्या है, 5 मिनट में ना थोड़ा बैंक के बारे में, बड़े अधिकारी हैं तो थोड़ा सा लोगों को समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा है, इसमें रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जो जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, सब समाज के हैं। जो हमने लॉर्ड बुद्धा NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो पहले बनाई है, उसका मकसद ये है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वही इसके मालिकान होंगे। जो बिजनेस में लोग हैं वो जानते होंगे कि शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है, वही इस लॉर्ड बुद्धा मफ्रेडा फाइनेंस कंपनी का मालिक होगा उतने परसेंटेज जितने का वो इन्वेस्ट करेगा। तो एज ए इन्वेस्टर के रूप में हम अभी इक्विटी शेयर के रूप में 1 लाख से 5 लाख तक का लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं, जो इसके मालिक के रूप में रहेंगे, और सभी सामाजिक लोगों को ही जोड़ रहे हैं, क्योंकि मैन टू मैन जब हमारे संपर्क में है लोग,
उनको जोड़ रहे हैं, हम कहीं मार्केट से किसी को नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि तो हमारी ये सोच है कि भारत के हर कोने से लोग इसमें जुड़ें और जुड़ने के बाद एक ऐसा मजबूत आर्थिक प्लेटफॉर्म बने, जो हम 100-200 लोग होंगे आर्थिक प्लेटफॉर्म पे, वो कभी भी कोई भी सपना हम देख सकते हैं। हम अगर 2 करोड़ की अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहें, हम मीटिंग करेंगे, डिसाइड करेंगे, 2-2 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे और वो इंडस्ट्री भी लगाएंगे। तो ये एक कोऑपरेटिव सोच के तहत हम लोग चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लॉर्ड बुद्धा बैंक का जो कंसेप्ट, डायरेक्ट कोई कॉमर्शियल बैंक नहीं बन सकती, बट नेचुरल है, पूरे भारत में हम एक ऐसी कंपनी लॉन्च कर रहे हैं जिसका सपना यही है कि भविष्य में हम भारतवर्ष में कॉमर्शियल लॉर्ड बुद्धा बैंक की स्थापना कर सके, और इसमें प्रेफरेंस शेयर भी हम इश्यू करेंगे, जिसके लिए एक निश्चित रूप से डिविडेंट होगा। डिविडेंट मतलब जो इंटरेस्ट आपको मिलता है बैंकों से, हम उस एफडी से अधिक आपको इंटरेस्ट मुहैया कराएंगे, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल जो बैंकें चल रही हैं, इसी टाइप की एनबीएफसी बैंकें चल रही हैं, वो हमारे समाज से 25% तक इंटरेस्ट ले रही हैं। इट मींस हमारे समाज का शोषण हो रहा है, और शोषण को बचाने के लिए हमें पैरेलल खड़ा होना पड़ेगा। हमें कोई न कोई ऐसी वित्तीय संस्था खड़ी करनी पड़ेगी जो हम अपने समाज को उनसे काफी कम इंटरेस्ट पे हम लोन मुहैया करा सकें, और कुछ गारंटी के साथ। हमने कुछ इंश्योरेंस कंपनियों से भी, LIC और GIC से बात करी है, उन्होंने भी कहा है कि हम इसको गारंटीड टाइप का इंश्योर्ड भी करवा देंगे, जिससे आपके आपके पैसे का जो लोन देंगे उसका ये रहेगा कि 100% वो वापसी ही आएगा। तो ये सब चीजें अभी उस पर चल रही है, और हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो भी इस पे काम कर रहे हैं। 2025 तक का हम लोगों ने एक खाका तैयार किया है, वो जल्दी आप लोगों के बीच में आएगा कि हम स्टेप टू स्टेप क्या करना चाहते हैं। यही एक संक्षिप्त परिचय है इस लॉर्ड बुद्धा मफरेडा फाइनेंस कंपनी का। उसका शेयर कम से कितनी कीमत का है सर? शेयर उसका का कीमत तो शेयर की तो मात्र 10 रुपए, मिनिमम 10 रुपए है, लेकिन हम लोग जो इक्विटी शेयर जो हम फाउंडर मेंबर बना रहे हैं उसका 1 लाख रखा है, 1 लाख से 5 लाख का मैक्सिमम, 5 लाख, 5 लाख से ऊपर कोई अगर देता है वो हमारे यहाँ हम उससे हाथ जोड़ते हैं। वो किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए इस कंपनी में, किसी का अगर कब्जा होगा मोनोपोली उसकी चलेगी, इसीलिए हम समाज के हर जिले से लोगों को जोड़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। गौरव सर माइक, माइक सर, एक मिनट माइक अनम्यूट हो गया सर जी, एक बार सर आवाज नहीं आ रही। दोरे सर जी का माइक कन्वर्ट हो गया। हाँ जी आ रही है सर। आवाज आ गई सर। हाँ जी दोरे सर, हाँ बताएं। हाँ जी इसमें लॉर्ड बुद्धा में हमारी बात हुई थी अभी वहाँ बुराड़ी में, तो जो अर्बन एरिया वाले हैं और जो रूरल एरिया के हैं उनमें अलग अलग है, ऐसा है ना? बुराड़ी में तो हेड ऑफिस का खुला है। आवाज बहुत कम आ रही सर। कह रहा हूँ बुराड़ी में तो इसका हेड ऑफिस खुला है। हाँ ठीक है बुराड़ी में इसका हेड ऑफिस खुला है, और कॉर्पोरेटिव कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा बॉम्बे में खुलने जा रहा है। कॉर्पोरेट ऑफिस बॉम्बे में होगा और ये हेड ऑफिस बुराड़ी में रहेगा, और सबसे पहले हम इधर दिल्ली और मुंबई और एक बुंदेलखंड का जिला जालौन लेंगे और एक पूर्वांचल का जिला लेंगे। इन पे है मॉडल वर्क करेंगे, क्योंकि हर जगह हम अभी स्टार्टिंग में काम नहीं कर पाएंगे। 1-2 जिले में जब हम काम करेंगे उस मॉडल को देख के लोगों को लगेगा कि हाँ ये काम अच्छा हो रहा है, तो वैसे ही जैसे जैसे इन्वेस्टर आएंगे वैसे वैसे हमारे पास पूंजी बढ़ेगी, हम अपना स्कोप हर दूसरे जिलों में बढ़ाते जाएंगे। ये हमारी इसमें प्लानिंग है। और इसमें सर इस समय करीब हमारे साथ 75 लोग जुड़ चुके हैं, 75 persons जुड़ चुके हैं। हाँ बताएं। मैं सर ये कह रहा था कि मैं जैसे गांव से हूँ, रूरल एरिया से हूँ, तो मेरे से उन्होंने कहा आप 20,000 से भी ये इक्विटी शेयर होल्डर बन सकते हैं, 20,000 से भी।
ऐसा है ना, असल में 20,000 बनाने के लिए हम बना लेंगे, लेकिन वो 20,000 वाले का जो हमारा सीए और सीएस का जो खर्चा पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो ये चीजें इसलिए हम स्टार्टिंग में जोड़ रहे हैं कि 1,00,000 से जोड़ रहे हैं, 1,00,000 से जोड़ रहे हैं, और अगर हमें नहीं वहां वो अच्छे 1,00,000 और 2,00,000 वाले नहीं मिल पाएंगे, देन हम ओपन करेंगे नीचे 50,000 20,000 वाले, क्योंकि फिर संख्या बहुत हो जाएगी, फिर हमें मीटिंग भी करनी होती है। ऐसा है ना, मीटिंग भी करनी होती है, ईयरली हमें मीटिंग करनी होती है, जो होते हैं उनकी मीटिंग्स करनी होती है, ज्यादा संख्या रहेगी तो मीटिंग करके और उनका मैनेजमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, इसलिए हमने छोटे छोटे नहीं अभी स्टार्ट किए हैं। उन्होंने कहा होगा, राम रतन जी ने शायद कहा होगा आपसे, आपसे बात राम रतन जी, जी, जी। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने कहा होगा जी, राम रतन जी की हुई जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो फिलहाल फिलहाल तो ना दे फिर 20,000 रुपए ना दे फिर, हम क्या करें। अगर उन्होंने कहा है आप दे दे, अगर उन्होंने कंसेप्ट दिया, वो भी हमारे क्योंकि फाउंडर में से हैं, उन्होंने 12-13 साल काम किया है, एक मफरेडा कंपनी है उसमें मफरेडा नाम जो आया है, 13 साल से वो वर्क कर रहे हैं बुराड़ी एरिया में। नहीं तो मैं जो पूछना चाह रहा था, मैं जो ये कह रहा था कि अब 20,000 रुपए हम उन्हें दें ना दें, ये मैं कह रहा था, ये आप फैसला कर लें, आप फैसला करें देना। देखिए अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से आप कोई इक्विटी शेयर बनाएंगे। देखिए किसी की जुबान अगर गई है तो ऐसा नहीं है कि वो निगेटिव में नहीं जाएगी। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। हाँ आवाज। हाँ 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 हाँ, वो बीच में कॉल आ जाता है उस चक्कर में। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ हाँ सर, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाते हैं हम, उनमें और जो ये लोड बुद्धा जो ये बैंकिंग, इसमें उसमें क्या फर्क है दोनों में? देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट ये है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से किसी पर्टिकुलर एरिया को आप ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से पूरे भारत को नहीं जोड़ सकते, और इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के माध्यम से आप पूरे भारत को जोड़ सकते हैं। तो कोई संस्था अगर आपकी गुडविल एक बार अच्छी बन चुकी है तो आप इसको फिर बढ़ाते जाइए, फिर पूरे भारत में फैला दीजिए। हम डेली कोई नई संस्था थोड़ी बनाएंगे, एक बार कोई चीज बनाई है उसमें अगर समाज के अच्छे लोग मेहनत कर लें तो हमारा वित्तीय प्लेटफॉर्म एक अच्छा खड़ा हो जाएगा, और जब ये अच्छा खड़ा हो जाए तो पैरेलल दूसरा भी खड़ा करो, तीसरा भी खड़ा करो, क्योंकि हमारे पास है नहीं, हमारे पास कोई वित्तीय बैंक है ही नहीं। पूरे भारतवर्ष में हमारे समाज के स्वामित्व की कोई भी वित्तीय बैंक नहीं है, इसी कारण से इधर की ओर हम लोगों का ध्यान गया, और इसमें कई लोग, एक हमारे चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स भी जुड़े हुए हैं, एक हमारे दो डिस्ट्रिक्ट जज भी जुड़े हुए हैं, बहुत से रिटायर्ड अफसर जुड़ रहे हैं, मोस्टली रिटायर्ड अफसर जुड़ रहे हैं। दोहरे सर एक क्वेश्चन मेरा था जी। हाँ जय भीम, नमोद्धार सभी लोगों। सर जैसे मान लीजिए हम 1,00,000 रुपए जमा करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी क्या होगी? आप ऐसा ना, 1,00,000 जमा करेंगे, जमा का आप उसके मालिक बनेंगे, आपको कंपनी का शेयर होल्डर मिलेगा, शेयर इक्विटी शेयर होल्डर मिलेगा, तो 1,00,000 के लिए आप उस कंपनी के मालिक हो गए, मालिक ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, और इसमें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जुड़ रहा है जिसका हमारे पास पूरा डिटेल नहीं होगा, कौन किसका पैसा कहाँ लेके भागेगा, जो भी है। नहीं सर, कई बार मैंने देखा हमारे यहाँ जनपद में अमरोह में कई बार इस तरह से इकट्ठा किए लोगों ने, पैसे लेकर के भाग गए। भाई ऐसा है ना, किसी के अगर इतिहास को ना देख के आप ऐसा पैसा दे दो तो निश्चित रूप, बहुत से लोग ये लालच देते हैं कि हम 2 साल में आपका डबल कर देंगे, आपका ये इतना इंटरेस्ट दे देंगे, नहीं। हाँ तो वो कतई लालच में ना आए, चूंकि मैं ऐसा कोई लालच नहीं देता हूँ, मैं केवल कहता हूँ कि वित्तीय प्लेटफॉर्म है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो मालिक बनेंगे
वो स्वयं इसको देखेंगे, स्वयं इसको बाच भी करेंगे, क्योंकि ये मालिकाना के रूप में होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा केवल फंड को, फिर तो आप प्रेफरेंस शेयर लगाएं। प्रेफरेंस शेयर में ये होगा, गारंटी आपकी रहेगी कि आप उतने डिविडेंड, अगर हमने 7% डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आपको साल में 7% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर में आपके उतनी इंटरेस्ट की गारंटी नहीं है, लेकिन भविष्य में जैसा जैसा बड़ा होगा इलाड बुद्धा, उतना ही बड़ा आपका इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर नहीं हो पाएगा। मालिक और गैर मालिक होने का यही है। अगर ये बैंक जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा वो 1,00,000 रुपए लगाने वाला होगा। हेलो दौरे सर, शायद हमारे साथी का पूछने का मतलब ये था, अगर ये 1,00,000 रुपया देंगे या 2,00,000 देंगे तो इनका कोई कागज कुछ मिलेगा प्रूफ बाय इज इन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बैंक? बिल्कुल। देखिए, एक तो रिसीवेगी, दूसरा आपको उसका शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। उसका शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये कंपनी रजिस्टर्ड है, उस रजिस्टर्ड का स्टैंप वाला आपको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा जी। हाँ जी, और मैं तो सभी से ये कहता हूँ, जितने लोग जुड़े सर, पहले इसको जान जरूर ले, जान ले कि भाई ये कंपनी क्या है और ये कंपनी क्यों। जैसे एनबीएफसी के बारे में जानकारी कर लें कि एनबीएफसी क्या होती है और हमने जो एनबीएफसी बनाई है उसके कितने सदस्य, कौन कौन, क्या क्या, कैसे कैसे है। तो जब कभी ये सब चीजें जान लेंगे तो एक विश्वास क्रिएट हो जाता है, नहीं ये सारे लोग अच्छे लोग बन रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आके हम अच्छा काम करना चाह रहे हैं। अदरवाइज तो हमारी भी गुडविल लगी है। मैं एक बहुत सम्मानित पद पे बैठा हूँ और मैं इस तरह की बात भी करूँगा तो एक एक जीवन की पूरी गुडविल हमारे पास, कमी कुछ नहीं है, हमारे बच्चे भी लाइक है सब अपने, लेकिन बच्चों को भी संकल्प दिया है कि वो केवल बिजनेस या कॉर्पोरेट में जाएंगे, उनका उनका प्लानिंग ये नहीं है। हाँ, या तो बहुत सुप्रीम में जाए भाई, आईएएस वगैरह बन जाए, अदरवाइज कोई कंसेप्ट नहीं है कि वो दूसरा कोई अफसर बने, सीधे कॉर्पोरेट घराने में जाओ, उसमें वर्क करो, इंजीनियर्स बनो, डॉक्टर्स बनो और अपना काम करो, क्योंकि भविष्य अपने काम का है और अपना काम करेंगे तो हम सब कमेरे हैं, हम सब काम करने वाले हैं, तो हमारे लोग फिर जुड़ते जाएंगे। मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने समाज को समझ नहीं आता, इनको ये समझाइए कि 1,00,000 रुपया आपने दिया तो उसका किस किस को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो आप अपने आप देखिए ना। वही मैं कह रहा हूँ, इनको शुद्ध भाषा में समझाइए सर, क्योंकि हमने लोग कम पढ़े लिखे हैं ना सर, बस वही बात है। सर ये गलत कमेंट है, सर ये गलत कमेंट है, जो भी अपने साथ जुड़े भाई साहब आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? अरे आप लोगों को बुरा लगा तो मैं सॉरी, मेरा कहने का मतलब सुझाव ये था कि आप अपने अपने पैसों को अपने आप से लगाइए, अगर आपको जिसको उधार देना उसको दीजिए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। नहीं हम तो जानकारी आप बहुत, मैं भाई साहब ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसा आपका होगा, आपके इस पैसे से ही ये पैसा कहीं रखा नहीं जाएगा, इसको सर्कुलेशन में लगाना है। हमारे बैंकों में जो बचत पड़ी हुई पैसा है, इसको आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिजनेस के सर्कुलेशन में लगाना है, और जिस दिन हमारे समाज में सोच आ जाएगी और इसमें ईमानदारी और विश्वास वाला काम हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो पैसा बैंकों में पड़ा है 3%, 4% के इंटरेस्ट के इंतजार में, तो सारा सर्कुलेशन में लगेगा, और जिस दिन हमारा समाज का पैसा सर्कुलेशन में आ गया 50% भी, तो हमारी इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी खड़ी हो जाएंगी, हमारे बेरोजगारी की समस्या समाधान हो जाएगी, हमारी दुकानें होंगी। सर एक चीज और बता दें बस। हाँ जी सर, एक चीज और बता दें, एक चीज और क्लियर कर दें। आप पूछे प्लीज। हेलो। हाँ पूछे प्लीज। मैं सर ये कह रहा था, जैसे जैसे कि गवर्नमेंट जो बैंक होते हैं उनका जो जैसे लोन लिया, लोन जब ना नहीं दे पाते तो वो एनपीए में चला जाता है पैसा,
तो जो हमारा लोड बुद्धा जो हमारे जो बैंकिंग है, हमारा अगर पैसा इस तरह से फंस जाए तो क्या हमारा भी एनपीए में ही चला जाएगा? उस पैसे को हम कैसे रिकवर करेंगे? अजीत सिंह जी, हेलो हेलो, जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने केवल आपके पैसे की गारंटी 5 लाख तक दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है? good, sir, good. आपका 50 लाख भी है तो गारंटी आपकी 5 लाख की है, लेकिन हमें फेथ हो जाता गुडविल के कारण कि ये गुडविल है बैंकिंग की कि भाई हमारा पैसा सुरक्षित है, तो वही गुडविल हमें बनानी है। अभी तो कंपनी हमारी पैदा, अभी तो कंपनी ऑपरेशनल में ही नहीं आई है, इसलिए अभी केवल गुडविल उन लोगों की है जो इसमें जुड़े हुए हैं, गुडविल अभी कंपनी के कुछ नहीं है क्योंकि अभी वर्किंग में ही नहीं है। जैसे ही वर्किंग में आएगी तो इसकी गुडविल फिर हमें बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं होगी, लोग जुड़ते ही जाएंगे क्योंकि वो काम करना है। तो अभी तो मैन टू मैन गारंटी के ये है कि बहुत सी गारंटी हम शेयर होल्डर्स के माध्यम से गारंटी के रूप में देंगे, कुछ हम उनसे गारंटी के रूप में उनके प्रॉपर्टी के पेपर भी रखवाएंगे, कुछ हम गोल्ड का भी लोन देंगे। सिस्टम है वो हमारा मैकेनिज्म काम करेगा कि किससे कौन से, अगर किसी के पास कोई भी लोन की गारंटी नहीं है, मान लीजिए बहुत बेरोजगार है और समाज में उसकी दिक्कत तो पढ़ा लिखा है, तो हमारे लोगों में से जो शेयर होल्डर होंगे वही उसकी गारंटी लेंगे, और जो गारंटी लेंगे उनको फिर इंसेंटिव भी मिलेगा। अगर शेयर होल्डर गारंटी लेगा तो लोन की जैसे वापसी आएगी उस शेयर होल्डर को उसका इंसेंटिव मिलेगा। तो ये सब कंसेप्ट कई चीजों का रखा हुआ है हम लोगों ने, कि हमें भी डर है कि कोई पैसा डूबे, लेकिन हमारा समाज जो हमने देखा, जो हमने स्टडी किया है उत्कर्ष बैंक का, बंधन बैंक का, 99.9% हमारे समाज को वो लोन देते हैं और कोई भी एनपीए नहीं हो रहा है, 99.9% की वसूली है, वसूली का मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है। तो हमारे समाज ऐसा नहीं है, जो एनपीए होते हैं वो बड़े बड़े घोटालेबाज करते हैं, हम बड़ा लोन देंगे ही नहीं, हमारा तो सबसे छोटा लोन जो रहेगा 20,000, 25,000, 50,000, बहुत ज्यादा 1 लाख, अगर किसी मशीन के लिए देना मैक्सिमम 5 लाख, तो इस टाइप का लोन रहेगा। तो वो चीजें जो एनपीए की होगी वो बड़े बड़े घोटालेबाज करते हैं, वो प्लान वे पे करते हैं, वो ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। थैंक यू दोरे साहब, ये जानना चाहता हूँ बनाया है क्या लॉर्ड बुद्धा बैंक का जी, कोई वेबसाइट है क्या इसके बारे में डिटेल में कुछ जानकारी देना चाहिए? वेबसाइट तैयार हो रही है विद इन, गोविंद राम जी पूछ रहे हैं सर। हाँ हाँ, वो वेबसाइट मेरे ख्याल से विद इन 15 डेज में इसकी तैयार हो जाएगी, और वेबसाइट का फिर आपको डिटेल दे दिया जाएगा। ठीक है, और शेयर विड्रॉ करना चाहता है किसी भी टाइम, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? हाँ, शेयर वो किसी अपने ही समाज के व्यक्ति को दे सकता है, नहीं तो कंपनी भी ले सकती है बाहर वापस। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। और किसी साथी का दौरे सर से कोई क्वेश्चन है सर? सर मैं वो रेज कर सकता है, और नहीं तो फिर हम आगे की कार्रवाई जो रण सिंह जी बोल रहे हैं, बहुत मात्र 20-25 सेकंड में कुछ कहना चाह रहा था सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर जी, बोलिए। हम अपने जन्म से लेके पढ़ाई के दौरान, जवानी के दौरान, बुढ़ापे तक और बुढ़ापे के बाद भी हम सभी पैसे का लेन देन करते हैं, और बैंक के द्वारा, कहीं और मीडियम के द्वारा, अगर हमारा अपना खुद का बैंक मेटलाइज होता है हमारा खुद का, तो एक बहुत बड़ी हम सबके लिए संपत्ति होगी, एसेट होगी, जो हमारी नीड पूरी करेंगे, हमारे समाज के लोगों का बहुत फायदा हुआ। क्योंकि जैसे सर ने बताया, मैं भी बैंकिंग से थोड़ा जुड़ा हूँ, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम है बैंक को, वो 3 गुना अर्न होती है, जबकि वो मिलती है मेरे ख्याल का 2.5-3% अभी। तो अगर इस प्रकार का कंसेप्ट हमारे लोग आ रहे हैं, तो हम सबको मिलना चाहिए, मिलके जुड़ना चाहिए और उसमें अपना योगदान देना चाहिए, और यही हमारे वी द पीपल का कंसेप्ट है कि हम सब मिले, साथ जुड़े और एक दूसरे का साथ पकड़ के रखें अच्छे काम के लिए और देश के काम के लिए। तो यही कहना था दोरे साहब, आपको बधाई, मैं भी हिस्सेदारी रखूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत रण सिंह जी, आपका बहुत बहुत
साधु दौरे साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, अभी आगे जो कंसेप्ट के लिए मैं एसपी दो आवाज को आवाज नहीं आ रही, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई को शुरू करें। हेलो एसपी प्रिया सर जी, आवाज सुन रहे मेरी? हाँ मैं सुन रहा हूँ जी। एसपी प्रिया सर, दोहरे सर अपने नंबर छोड़ना प्लीज। एसपी प्रिया, हेलो सुन रहा हूँ राजेंद्र सिंह जी। साधुवाद साधुवाद परिहार जी, बहुत बढ़िया आपने जी। धन्यवाद परिहार जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने कंसेप्ट को प्रकाश डाला साधुवाद। सभी को इसी पे चलना चाहिए, हम सब लोगों को इसी को अनुसरण करना चाहिए, गिले शिकवे भूल के। अभी हम लोग यदि नहीं जागे तो समझो अंधेरा ही अंधेरा है। जी बिल्कुल सर। और बड़ा करना चाहता हूँ, अगर अगर जो है परमिशन हो तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और बड़ा मैं करना चाहता हूँ। जी दोरा साहब बोलिए। हाँ हमारा जैसे बी द पीपल का जो मकसद है बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। आवाज बहुत कम आ रही सर, थोड़ा आवाज ठीक करें दोरे साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये हेडफोन निकाल दो, डायरेक्ट बात करो तो अच्छा आएगा। हाँ डायरेक्ट कर लीजिए सर, मोबाइल से निकाल दो, पिन निकाल दो मोबाइल से। आवाज कम कर हेलो, आवाज कम कर, उधर इधर आवाज आ रही है। मैं चालू पिन निकालने के बाद ऑन नहीं किया हुआ। हेलो चालू है। हाँ बोलिए दोरे साहब बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को मैं जैसे चाहता हूँ ना कि मिशनरी लोग जो भी वी द पीपल या कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं या संवैधानिक सोच वाले हैं और पंचशील को मानने वाले हैं, इस तरह की सोच जिला स्तर पे एक स्थानीय संसद क्रिएट हो। स्थानीय संसद क्रिएट होगी, उसमें हमारे हर ग्राम प्रधान, हर ब्लॉक स्तर के लोग, ग्राम्स के लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। और जब स्थानीय संसद हर जिले में क्रिएट हो जाएगी, वहां से ही हम मिशनरी लोगों को विधानसभा और लोकसभा में भेजना चालू कर देंगे। हम किसी भी नेता के पिछलग्गू नहीं रहेंगे, हमें किसी नेता के जरूरत नहीं है। हम जब स्थानीय संसद के माध्यम से जब हम नेता को भेजेंगे, वही लोकतंत्र वही संविधान बचाएंगे। अगर हम इस कंसेप्ट को और इसी तरह से बढ़ा दें जिले स्तर पर और हर जिला एक यूनिट बन जाए और वो स्टेट से जुड़ जाए और स्टेट हमारे पूरे इस भारत से जुड़ जाए, इस पूरे एक संवैधानिक संसद ये क्रिएट हो जाए, तो निश्चित रूप से जो सपना हमारा वी द पीपल का है वो जरूर पूरा होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद दोरे साहब। छुटन लाल जी आपका, हाँ जी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, आप आगे का धन्यवाद सर। संघ में नए पाल जी, ये नेक्स्ट जो 9 बजे जिनका टाइम था मेरे ख्याल में, एक तो नए पाल जी थे, छुटन लाल जी आगे, छुटन लाल जी आगे इंजीनियर नेपाल नेपाल सिंह जी है क्या मौजूद? नयपाल जी को इस पे एंटरप्रेन्योर पे भी कुछ बोलना है। अच्छा 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 अच्छा, जुड़े हैं ठीक। हाँ जी सर, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं सर जी। जी सर आप संभालिए सर, कुछ ये इंट्रोडक्शन करा लें पहले थोड़ा बहुत ना, एक बार करा लो, कोई नहीं 10 मिनट। ये हमारे भी जितने महापुरुष हुए हैं या संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने सबने जुड़ने के लिए ही कहा है। आज तक ऐसा कोई महापुरुष हो जिसने नहीं कहा हो, तो ऐसा मैंने तो पढ़ा नहीं आज तक। या हमारा जो समर्थ समाज है, सम्राट अशोक के टाइम में या बुद्ध के टाइम में, उन पर अत्याचार की घटनाएं हिस्ट्री में मैंने तो कहीं पढ़ी नहीं, क्योंकि वो एक संघ में थे, जुड़े हुए थे आपस में। और जब से संघ बिखरने लग गया तो अत्याचार होने लगे, सब कुछ होने लगा। तो इसलिए जुड़ना और जोड़ना है, ये लास्ट एक हथियार बचा है हमारे पास। अगर अभी भी नहीं जुड़े तो फिर तो विनाश तो निश्चित है ही। जी
अभी एक परिचय की अगली कड़ी में एन सिंह जी जुड़े हैं, कोई एन सिंह जी कृपा। यस दिस इज नेपाल सिंह सर। अच्छा अच्छा आपका है क्या जी? इंट्रोडक्शन दे दो नेपाल जी कोई। जी सर थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सर। मैं नेपाल सिंह, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। नेपाल सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई से हूँ। जैसा कि आज टॉपिक है और परिहार सर ने आज मेरे को जगा दिया था 5 बजे के करीब, तो उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जगा दिया था, नहीं तो मैं इनएक्टिव मोड में था। सर जैसा कि हम यहाँ पर लगभग 150-200 आदमी जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। मैं जैसा कि आज टॉपिक बताया था बिजनेस के बारे में आज ज़्यादा बातचीत करने की बातचीत है, इंजीनियर्स एंड बिजनेस, है ना सर? आज का टॉपिक यही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विशुद्ध अगर बिजनेस पे अगर हम बात करें तो मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप, सर मैं थोड़ा जानना चाहूंगा यहाँ पर कोई एंटरप्रेन्योर हैं अपने यहाँ पर, कोई एंटरप्रेन्योर हैं सर? जी सर, जी सर, आई एम अनिल कुमार, आई एम रनिंग आईटी कंपनी, जस्ट 1 month बैक आई हैव स्टार्टेड। यस जी सर, और कोई है सर? सर कोई भी है सर? और रणसिंग बोल रहा हूँ, और मैंने भी अपने बच्चे के नाम से एक सिक्योरिटी की एजेंसी चलाई है जिसमें सीसीटीवी अलार्म कैमरा इन सब का लगाने का है। जी सर, बट वी आर इन द इनिशियल स्टेज राइट नाउ। जी सर जी। हेलो, हाँ किशोर देसाई सर, किशोर सर देसाई पुणे से हो? जी सर, इलेक्ट्रिकल बिजनेस में हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। बहुत बढ़िया सर जी। सर और भी हैं कोई इस तरह से, माने इसमें और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना सर? स्पेशली सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना मेरा स्पेशल काम है सर, सारा मैंने 30 वर्ष इसमें लगा दिए और बाकी जो बचा है वो भी इसी में ही लगाएंगे। मैं IEDS हूँ, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सर्विसेज से आया हुआ हूँ। हम इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, एंटरप्राइज डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं पूरे भारत में। स्पेशली तब और ज़्यादा खुशी होती है जब हम अपने ही भाई बंधुओं में, अपने ही बच्चों के लिए, हम स्वयं के लिए अगर एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है। सर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं व्हाट इज एंटरप्राइज, एक या एक से दो अधिक आदमी मिल के कोई भी कार्य या कोई भी धंधा करके और लाभ कमाते हैं, ऐसे किसी भी उद्यम को हम एंटरप्राइज बोलते हैं। तो एंटरप्राइज बातचीत में ऐसा लगता है कि साहब बहुत ही धन की ज़रूरत पड़ती होगी, बहुत ही उसमें मेहनत की ज़रूरत पड़ती होगी, माने एक डर जैसा महसूस होता है। मैं बताना चाहूँगा कि हम इसको मात्र एंटरप्रेन्योरशिप 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं सर, और ऊपर कितने भी ऊपर जा सकते हैं। हम यहाँ पर किसी भी तरह का, आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बोलें तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोगों के लिए उपलब्ध करवा दूंगा। हमारे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं, और जो नहीं होते उन्हें भी तुरंत तैयार कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सबको प्रोवाइड करवाते हैं। लोन की बात है, लोन भी हम व्यवस्था करवाते हैं। किसी को अगर ऐसा लगता है कि साहब मेरे को अमुक चीज़ बनानी है और मुझे जानकारी नहीं है, तो हम उनको ट्रेनिंग भी कहीं भी पूरे भारत में मैं कहीं भी ट्रेनिंग दिलाने को सक्षम हूँ। मार्केटिंग की बात आती है तो मार्केटिंग के लिए स्पेशली हम लोग बहुत सारा एफर्ट करते हैं। साथ में जैसा कि वी द पीपल में हमने देखा है कि हम लोग उपभोक्ता बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ा उपभोक्ता गण है हमारा, तो हम हमारे प्रोडक्ट को हम आपस में ही खरीद के अगर उपभोग करना शुरू कर दें तो भी सारा धन हमारे समाज का हमारे ही लोगों में रहेगा, और हम निश्चित तौर पे अपने को समृद्ध महसूस करेंगे। हम चक्रवर्ती अशोक के टाइम की भी अगर हम याद करें तो सारे उद्योग और धंधे हमारे ही हाथ में थे,
एजुकेशन सिस्टम भी हमारे हाथ में था, राजनीति भी हमारे हाथ में थी, शिक्षा भी हमारे हाथ में थी, शासन भी हमारे हाथ में था। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं, कोई बात नहीं, शुरुआत फिर से है, एजुकेशन हमारे समाज में होने लगी है, किंतु उपभोक्ता होना हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, इसे कोई नहीं छीन सकता। हम समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, 30-35% हैं पूरे भारत में। हम हमारे लोगों की बनी हुई चीज, हमारे अपने दुकान वालों का खोजकर अगर हम अपने दुकान वालों से ही खरीदना शुरू कर दें तो भी हमारे उद्योग धंधे डे बाई डे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लगभग पूरे भारत में मेरे संपर्क में 5-10 हजार के आसपास अपने भाई बंधुओं के यूनिट संपर्क में हैं। वे सब लोग अपने अपने तरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वी द पीपल के माध्यम से मैं आप सभी का ये आह्वान करना चाहूंगा कि हम उन्हीं भाइयों का प्रोडक्ट सबसे पहले प्रथमतः खोजें और ये तलाश करें कि हमारे भाई बंधुओं की फैक्ट्री का बना हुआ कौन सा है। हमारे अपने समाज का शोरूम कौन सा है जिससे हम खरीद सकते हैं। हम देखेंगे कि दूसरे समाज में लोग ये इसी तरह से नाम के साथ में, इसी वजह से ये सरनेम लगाए गए थे ताकि वो इजीली फाइंड आउट हो सकें और वो अपने ही उद्योग धंधों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर आवाज आप चली गई है सिंह साहब? आवाज नहीं आ रही सर। माइक तो खुला हुआ है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सर क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आई आई सर। अच्छा आई क्या? अच्छा बंद हो गई थी क्या? जी सर। तो हम उपभोक्ता बहुत बड़े हैं, हमारे संपर्क में लगभग लगभग 5-10 हजार यूनिट हमारे ही भाई बंधुओं के हैं जिनके सामान अगर हम उपभोग करना शुरू कर दें, अपने ही भाई बंधुओं के शोरूम से लाकर सामान उपभोग करना शुरू कर दें तो इससे हमें स्वतः अपने आप बहुत सारे फायदे शुरुआत होना शुरू हो जाए। एक तो अपने अपने स्वयं के उद्योग धंधे बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, प्लस अपने ही बंधुओं को काम पे लगाना शुरू कर देंगे, पीछे भी और फ्रंट पर भी। तो निश्चय ही मैं वी द पीपल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहूंगा सभी का कि आइए हम आज से ये थोड़ा सा प्रायोरिटी पे ले लें, बल्कि कसम ले लें इस बात की कि हम अपने ही भाई बंधुओं की बनी हुई फैक्ट्री का प्रोडक्ट सबसे पहले वही लेंगे और अपने ही भाई बंधुओं के शोरूमों से लेंगे। हम 5-10 हजार जितने भी यूनिट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देकर हम आपस में एक प्लेटफॉर्म या जो है आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है तो इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के हिसाब से हम सारे लोग आपस में पहुंच में ले सकते हैं उन सभी यूनिट को, और सारे यूनिट हम और भी बढ़ा सकते हैं। अगर किसी को कोई पैसे की प्रॉब्लम आती है, मनी की प्रॉब्लम आती है, या टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, या लीगल प्रॉब्लम आती है, इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कृपया हमसे संपर्क करें, मैं उसमें किसी भी तरह की मदद में उपलब्ध हो सकूंगा, मैं हेल्पफुल हूं इस मामले में। ट्रेनिंग से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, मार्केटिंग से लेकर, मनी अरेंजमेंट से लेकर, एवरीथिंग। तो मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा इसमें। अगर किसी को कोई बिजनेस में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, पैसे की, टेक्निकली, मार्केटिंग या किसी की, संपर्क कर सकते हैं। नंबर वगैरह ये चैट बॉक्स में तो इसमें हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हो सकते हैं जो आईटी सेक्टर से होंगे। आईटी सेक्टर के भाई बंधुओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा मेरे से संपर्क में आ जाए तो मैं जितने भी 5-10 हजार, 10 हजार के करीब फैक्ट्रियां हमारे अपने भाई बंधुओं की हमारे संपर्क में हैं,
हम आपस में एक दूसरे के पहुंच में उन फैक्ट्रियों को ले लेंगे, उनके बने हुए माल को ही आज से हम शुरुआत करें, आज से ही खरीदना शुरू करें, तो निश्चित तौर पे हमारा पैसा हमारे ही समाज में रहेगा और हमारे समाज में उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे और समाज वही ज्यादा विकसित है सर जिनके उद्योग धंधे सबसे ज्यादा हैं। ऐसे बहुत सारे समाज हम जानते हैं, जैसे कि सिंधी समाज, उनकी तादाद बहुत कम है किंतु वे उद्योग धंधे के हिसाब से बहुत आगे हैं। जैन समाज बहुत कम लोग हैं किंतु बहुत समृद्ध हैं, उद्योग धंधों में बहुत आगे हैं, उनकी तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं दे सकता। पारसी समाज वो भी बहुत कम है, वो तो नहीं रोते, वो तो कभी नहीं गिड़गिड़ाते, क्यों? क्योंकि उनके पास उद्योग धंधे है, वो पहले वो हो सकता है ठीक है किसी के पास पैदाशी भी होंगे लेकिन शुरुआत कहीं न कहीं से करी है। तो हमारे समाज को भी करना ही पड़ेगा, हमारे बच्चों को भी करना पड़ेगा, हमारे भाई बंधुओं को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम उपभोक्ता सबसे ज्यादा बड़े हैं, हमें तो कहीं जाना ही नहीं है, हम मार्केटिंग तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो किसी के सर क्वेश्चन भी है, हैंडरेज क्यों है आप? और सारे वक्ता लोग हैं, मैं आवाज करना चाहूंगा साथ में जुड़े और सभी फैक्ट्रियों को मेरा क्वेश्चन है। नेपाल जी जो 5,000 से 10,000 संघ जो लिस्ट आप कह रहे हो आपके पास है, तो वो कैसे मिल सकती है एरिया वाइज? मेरे जो इस ग्रुप में हमारे आईटी भाई बंधु हैं, मैंने कोशिश करी है, मैं थोड़ा और विस्तृत कर देता हूँ उसको, वो मेरे थोड़े से है, दो तीन है, आज भी तो मैं जो है ऑनलाइन उसको उन सबको कर देता हूँ एक ही प्लेटफॉर्म पे। एक तो एसके गौतम एसआई आईटी सेक्टर से वो उनको बोला था, मैं नंबर दे देता हूँ सर, मेन नंबर दे देता हूँ यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, आप सर आपसे बात कर लेंगे बाद में। हाँ सर मैं नंबर लिख देता हूँ। हेनरी आरके जी आपका हेनरी जी क्या पूछना चाहते हैं सर? जी सर धन्यवाद। अगर बिजनेस के मामले में किसी का कोई क्वेश्चन है तो निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं किसी भी तरह की, तो वो संपर्क करें, अगर किसी का क्वेश्चन है तो स्वागत। किसी को प्रोजेक्ट बनाने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो नेपाल जी वो भी कर देंगे। या डेफिनेटली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवाऊंगा, आप कोई भी नाम लीजिए कि फला चीज कैसी बनेगी, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा उसकी टेक्नोलॉजी। मैं विजय बहादुर लखनऊ से बोल रहा हूँ सर, मेरी आवाज मिल रही है? जी मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो जितने ये लोग इस बिजनेस में हैं, सारे एड्रेसेस और ये एक जगह कैसे मिलेगा, या कोई वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ से सभी? हाँ सर मैं कर देता हूँ, बिल्कुल वेबसाइट पे ला देता हूँ, वी द पीपल के साथ में शेयर कर दूंगा, ये आईटी वाले लोग अगर थोड़ा सा मेरे साथ में आ जाएंगे एक दो लोग, तो मैंने कुछ किया है ऑनलाइन। जी जी हाँ मैंने कुछ कर लिया है ऑनलाइन, और ये साथी लोग और कुछ आ जाएंगे तो और ज्यादा विस्तृत कर पाएंगे हम। बहुत अच्छा, एक साइट होनी चाहिए जहां से हम सभी को अप्रोच कर सके, उनका एड्रेस मिल सके। श्योर सर, अपना नंबर दे दें सर, बहन सर। बिल्कुल सर मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें लिख देता हूँ और बोल भी देता हूँ, 821-807-4734। रिपीट करिए जरा, 821। हाँ रिपीट कर देता हूँ सर, 821-807-4734। नेपाल सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर MSME। थैंक यू जी, थैंक यू सर, वेलकम सर। हेनरी आरके जी आपको आपका हेनरी जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर थैंक यू, अपनी बात रखिए सर। हाँ जी सर, नाइपर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। स्वागत है जी, अपनी वीडियो ऑन कर रहे हैं प्लीज। जी जी
जी बताएं सर, कोई क्वेश्चन है तो बताएं सर। हाँ जी, हाँ जी सर, ये जो अभी आपने इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, फिर से उसके लिए मैं समाज की तरफ से आपका थैंक यू करता हूँ। सर एक मेरी कुछ क्वेरीज है, जैसे मैं जानना चाहता हूँ ये फ्रॉम द लास्ट डिकेड, ये पिछले एक दहाके के अंदर में MSME जो सेक्टर है, आप तो चलो उसके अंदर में गवर्नमेंट में जॉब में हो, आपको ज्यादा बढ़िया डाटा पता होगा। MSME सेक्टर में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके अंदर में काफी गिरावट देखी गई है, छोटे उद्योग है वो काफी हद के अंदर में काफी तादाद में बंद हुए हैं, ऐसा सही है क्या गलत है ये? सर इससे आपके क्या लाभ होने वाला है? नहीं मैं उसका रीजन जाना, क्योंकि उसके अंदर में किस रीजन से मतलब सर, रीजन छोड़ दीजिए, हाँ, जो जितनी भी बंद हुई थी हमने दोबारा से शुरुआत करवा दी और सबको घर घर जाके पैसे दिए हमने सर बहुत ज्यादा, और यहाँ तक के जो ठेल लेके घूमते हैं ना, कभी यहाँ पर हैं, कभी यहाँ पर हैं, कभी वहां पर हैं, उनको भी हमने जा जाके 25,000 रुपए दिए हैं ताकि वो अपने ठेले पे काम कर सकें। सरकार बोलती है हमने लगभग 3,000,000 इकाइयां बंद कराई हैं, 3,00,000। सर मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से डाटा लाए हैं, लेकिन जितने भी को प्रॉब्लम हुई थी कोरोना काल में, उन सबके घर घर में जाके हमने पैसे बांटे हैं और सबके उस यूनिटों को दोबारा से स्टार्ट करवा दिया है। आज की पोजीशन में कोई भी यूनिट ये नहीं कह पाएगा कि साहब कोरोना के कारण मैं बंद हुआ था और मैं स्टार्ट नहीं कर पाया हूं। सर हम अपनी सोचे दुनिया की छोड़ दे, अच्छी बात है, बात कर रहा हूं सर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो भी आपका क्या लाभ है सर, का कहने का मतलब ये है जो भी अगर नया करना चाहता है तो हेल्प करेंगे, यही कहा कि इस क्वेश्चन से सर आपका पर्सनल लाभ क्या है। सर फिर भी मैंने बता दिया हमने घर घर जाकर सबको पैसे दिए सर, और अगर आपको कोई अगर ऐसी बात है तो आप भी अप्रोच कर सकते हैं सर, आपको भी लाभ मिलेगा। एक मिनट हैंड रेज है, विशाल सिंह जी। सिंह जी सर अभी क्वेश्चन नहीं पूरा हुआ मेरा, क्वेश्चन लो भाई पहले क्वेश्चन, आप सीधा सीधा क्वेश्चन पूछिए सर, पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछिए, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, एक एक करके बात रखिए। सर दूसरा ये पूछना था, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं रहती हैं, और कौन कर रहा तो उसकी, हेलो सर बोले सर बोले सर, जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं रहती हैं, लेडीज से काम करती है, तो उसके लिए कुछ छोटे रोजगारों के अंदर में क्या सहायता हो सकती है उनके लिए? बिल्कुल सहायता हो सकती है सर, HSS बनाए जाते हैं, स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, उसके लिए हम पैसे देते हैं, वो दस या अधिक स्त्रियां खड़े इकट्ठे होकर समूह बना लेती हैं और बस समूह बना के कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जो है पैसे देते हैं समूह के लिए। कोई छोटे प्रोजेक्ट सर, उसकी प्रक्रिया के छोटे से शुरुआत होती है, कोई बात नहीं, छोटा कुछ भी करें सर, पापड़ बना सकते हैं, दाल वाल बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, कोई झोला डंडा सी सकते हैं, कुछ प्लेट, कुछ जो है ये टेबल बेयर्स बना सकते हैं, कुछ जो है चादर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं सर, सारा दुनिया भर खुला हुआ है। पास पहुंचने का ये सर, सर जी आप दिल्ली में सर, मैं पूरे भारत में हूं, मैं आगरा में बैठता हूं, मतलब जो भारत में आप सर, सिक्किम में कर चुका हूं, हरियाणा में कर चुका हूं सर, ये उत्तर प्रदेश में कर चुका हूं, कर्नाटक में कर चुका हूं सर, कलकत्ता में कर चुका हूं, सारे भारत में कर चुका हूं सर काम। जी सर आगे अनिल कुमार जी का एंड रेज है, अनिल कुमार जी आपका हो गया, सीधा क्वेश्चन कीजिए सर। यस सर, आई एम अनिल कुमार सर, आई एम वर्किंग इन महिंद्रा। यस सर, जस्ट नाउ हमने आईटी कंपनी अभी रजिस्टर की है सर, सो वी आर लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट इन आईटी सेक्टर। जी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आ रही है, बोले अनिल जी। तो अभी 2-3 दिन पहले MSME से ही सारे रिसर्च कर रहा था पूरे हाउ द MSME वर्क्स, बिकॉज मैं आईटी प्रोजेक्ट्स के लिए अभी थोड़ा सा देख रहा हूँ। आप क्वेश्चन कीजिए सर, क्वेश्चन कीजिए, क्या चाहिए?
कुछ आईटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड सर मैं आपसे कुछ हेल्प चाहूंगा सर कि कुछ हमें बिल्कुल अगर कोई ऐसी हेल्प है जो अभी बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो जो है फोन करके बता दीजिए। जरूर सर, मैं आपसे संपर्क करना चाहूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल जी, शैलेंद्र कुमार जी, जो भी जो जो सर कोई भी उद्योग धंधा करने के लिए कुछ भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना, वो मेरा ही होता है सर, हमारे ही ऑफिस का होता है एमएसएमई सर्टिफिकेट। जी जी सर, जी सर, कानपुर से। थैंक यू सर। ग्रामीण भाग में बैंकों बैंक लोन लोन प्रोवाइड करने में बहुत हिचकिचाते हैं सर, उसके लिए कुछ प्रोविजन है? हाँ बिल्कुल है सर, हमारे यहाँ से पूरे आदेश हैं और हमने स्कीम दे रखी है बैंकों के लिए, आप उस स्कीम का नाम लीजिए, उस स्कीम में उसको देना ही पड़ेगा, हमने टारगेट दे रखा है उनको, हर बैंक के लिए टारगेट दे रखा है एनुअली, तो टारगेट में और नाम का स्कीम का नाम लीजिए, उस स्कीम में देंगे वो आपको। स्कीम का नाम बता देता हूँ, पीएमईजीपी होता है, सीएमईजीपी होता है, और केबीआई भी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में से भी करवाते हैं सर, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी करवाते हैं, और रूरल डेवलपमेंट में जो है एस्पायर स्कीम करके उसमें भी करवाते हैं सर। ये तीन चार स्कीमों में इलाकों में दिलवाते हैं पैसा, और जो बैंक आपको न दे तो आप मेरे को फोन कर देना, और वो जो मैनेजर होंगे उनसे आप बात करा देना मेरी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा आगे शैलेंद्र कुमार जी का कोई भी बैंकर हो, हमने सबको टारगेट दे रखे हैं। शैलेंद्र कुमार जी। जी सर, मैं शैलेंद्र कुमार कानपुर से। हाँ, अपनी बात संक्षेप में रखिए सर। जी सर, मैं भोजन प्रोडक्ट का जिला डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और इस व्यापार को थोड़ा आर्थिक प्रॉब्लम के चलते जो है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मैं एसएमई से लोन की प्रक्रिया को जानना चाह रहा था सर। आपके बुरा तो नहीं मानेंगे सबके सामने अगर मैं बात कर दूं, आपके जो है पासबुक में कितना बैलेंस रहता है सर, मैक्सिमम बैलेंस कितना रहा है सर, कितने दिनों तक? मैक्सिमम बैलेंस जितना आपका बैलेंस रहता है सर उतना ही बैंक दे देता है आपको सर, एक बात। दूसरी बात ये, बैंक में जाइए उनसे कहिए MUDRA मुद्रा स्कीम में आपको जो है लोन मिल जाएगा, और बैंक वाले ना दें तो फिर मेरे को बात करा देना। अच्छा जी, फोन पर बात कर लेना, आपको कोई परेशानी हो। हाँ वो मैनेजर से बात करा देना। थैंक यू। तो आगे उमेश जी, आपका हैंड रेज है। उमेश जी, उमेश जी मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जी जनाब। हाँ जी बोलिए, शॉर्ट में रखिए सर अपनी बात, शॉर्ट और विस्तृत रखो सर, क्वेश्चन करो जी, आज का बिजनेस का ही टॉपिक है, कीजिए सर। शॉर्ट एंड शूट। जी सॉरी, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, पता नहीं ये बात पहले रखी गई या नहीं रखी गई। कोई बात नहीं, आप रख दीजिए सर। हमें क्या है कि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर सपोर्ट चाहिए। क्या सपोर्ट चाहिए सर? राइट फ्रॉम द आइडिया टू इट्स फिनिशिंग प्रोडक्ट। ठीक है, आइडिया के लिए सर हमारे जो है एमएसएमई की साइट खोली है, उस पर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट डाल रखे हैं, उसको जो है थोड़ा सा अवलोकन करेंगे, देखेंगे तो पता चलेगा कि आप कौन सा फील्ड में काम कर पाएंगे, अपने इंटरेस्ट का फील्ड चूज कर लीजिए, उसके बाद में फिर प्रोजेक्ट चूज कर लेंगे, 10-5 प्रोजेक्ट आपके पास हो जाएंगे, उसके बाद जो है फिर आप किसी टेक्निकल ऑफिसर से, एमएसएमई के टेक्निकल ऑफिसर से थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए, आपका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा सर। आपका सपोर्ट चाहिए होगा वो मिल जाएगा ना? बिल्कुल डेफिनेटली सर, पूरे भारत में कहीं भी सर, इवन बाहर भी, विदेश में भी। सर नाम याद रखिएगा, कल मॉर्निंग में अप्रोच करूंगा आपको। प्योर सर जी। आगे मंगल सिंह जी। मंगल सिंह जी आप सुन रहे हैं क्या? मंगल सिंह जी अपना माइक अनम्यूट करिए। मंगल सिंह जी इसका। जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। एक मिनट में सबका म्यूट कर रहा हूँ। मंगल सिंह जी आप रुको जरा। अभी अपना मंगल सिंह जी। हाँ अभी अभी बोलिए यार। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही सर। मैं सर से पूछना चाहता हूँ, मेरा छोटा सा बिजनेस है, एक तो मैं एसी रिपेयरिंग का काम करता हूँ, और मेरा एलईडी बल्ब का बिजनेस है, एलईडी बल्ब मैं खुद बनाता हूँ, परचेज करता हूँ, तो मुझे इसका ना रजिस्ट्रेशन करवाना था, इसके लिए क्या बता पाएंगे सर?
हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। सर आपका माइक म्यूट है सर। सर अपना माइक मुझे मुझे सुन पा रहे हैं सर? आ रही है सर, बोलिए। हाँ मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ तो मैं साइट पे देता हूँ सर, www.dcmsme.gov.in dcmsme खोलिए, उस पर उद्यम रजिस्ट्रेशन करके एक बटन आएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन करके उसको क्लिक कीजिए तो आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अगर प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को फोन कर लेना। जी थैंक यू सर। वेलकम सर। आगे एडवोकेट भीम सिंह जी, आपका एंड रेज है, प्लीज अपनी बात कीजिए। एडवोकेट भीम सिंह जी नमस्कार सर, क्या मेरी बात साफ आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलिए सर। मैंने मुद्रा योजना में लोन लिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का, और मैंने एक भैंस का लोन मिल चुका है 75,000 रुपए, कुछ पैसे अपने पास से पे करे थे, लेकिन अब मैंने वो कंप्लीट कर दिया सर लोन। और अभी जो किसान पशुपालन किसान क्रेडिट योजना चलाई हुई है हरियाणा सरकार ने सर, मैंने उसमें अप्लाई किया था, लेकिन बैंक वाले आनाकानी कर रहे हैं सर वो लोन देने से, इस बारे में। अच्छा, ये स्टेट गवर्नमेंट की, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की है सर, है ना? जी। अच्छा तो थोड़ा सा सर, एक तो आपने मुद्रा में ले लिया है, तो ये मुद्रा में भैंस तो आई नहीं थी आपकी, मुद्रा भैंस के लिए नहीं मिलती है सर। बैंक वालों ने कहा था कि मुद्रा योजना में हमने आपका लोन कर दिया है, वो मैंने पे कर दिया सर, मेरा ठीक है। तो अगर मुद्रा, हाँ मुद्रा में अगर करा है उन्होंने, तो 1.5 लाख के बाद में अब आपको 5 लाख मिलेगा, 5 लाख जब रीपे कर देंगे तो उसके बाद में 10 लाख मिलेगा। तो आपका शिशु हो गया तरुण, उनको बोलिएगा मुद्रा तरुण में कीजिए मेरा अब, और ना करे तो मेरे को फोन कर, ना करे तो मेरे को फोन कर देना, मैनेजर साहब से बात करवा देना। सर ये जो पशुपालन किसान क्रेडिट योजना है, मैं इसके इसमें लेना चाहता था, क्योंकि वो एक क्रेडिट कार्ड बनाते हैं सर, कभी भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार कितना भी लो वो उतना ही मिलेगा आपको, उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। जी बिल्कुल 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 सर, तो मैं वही कह रहा हूँ ना सर, अगर मुद्रा नाम लेंगे तो वो जो वो डिफरेंट है, इसलिए कहा मैंने वो मुद्रा में नहीं दिया था सर आपको। अगर मुद्रा में दिया है तो मुद्रा में तीन स्टेजेस होती हैं सर, शिशु तरुण और उससे ऊपर की, ठीक है? तो शिशु में जो है 50,000 तक है, उसके बाद में 5 लाख है, उसके बाद में 10 लाख है। मुद्रा योजना पूरी हो चुकी है सर, मैं अभी नहीं आपको पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड में लेना चाहता हूँ सर आगे। सर आप दो स्कीमों के नाम अलग अलग ले रहे हैं, अगर मुद्रा में है, मुद्रा मेरी है, मेरी स्कीम है, मुद्रा में अगर है तो मुद्रा में मैं आपको करवा सकता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की है किसान वाली, उसका तो मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ, मुद्रा का जरूर कह दूंगा। मुद्रा में सर तरुण का बोलिएगा उनको जाके कि सर मुद्रा में तरुण तरुण स्कीम में दे दीजिए मुझे। जी जी दे देंगे वो आपको, अगर आपका रिकॉर्ड ठीक है तो। रिकॉर्ड ठीक है सर, अगर आप डिफॉल्टर नहीं है तो। डिफॉल्टर बिल्कुल नहीं है सर, जितना तो बिल्कुल जरूर हो जाएगा सर। बैंक में जाके मैनेजर साहब से थोड़ा सा बात करवा दीजिए मेरी, अगर वो आनाकानी करें तो। आगे कोई प्रॉब्लम तो बात कर लेना फोन पर, थैंक यू सर, है ना भीम सिंह जी, और बात कर लेना आगे डिटेल में। अभी बीएस आजाद जी आए और थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताएं, कॉन्सेप्ट के बारे में। बीएस आजाद जी, सर छुट्टनलाल जी, जी बोलिए सर। एक गैलेक्सी J4 से जुड़े हैं प्लस, सर कितनी बार हम उनको बोल रहे हैं, लेकिन नहीं वो पहले 6 से जुड़े फिर 7 से जुड़े, तो गैलेक्सी से ही जुड़ रहे हैं लेकिन नाम चेंज करके जुड़ रहे हैं। कौन है भैया, जरा आके इंट्रोडक्शन दें अपना। गैलेक्सी, गैलेक्सी J41, गैलेक्सी J41, चलो रो के आदमी है इसलिए बता नहीं रहे हैं, इनको होल्ड पे करवाइएगा सर, ये मुझे कुछ शंका है। कौन है, कहाँ से करते हैं होल्ड, ये कुछ मेरे को भी आइडिया नहीं है। हाँ तो अपने सर ये दो, हाँ बोलिए बोलिए, योगेश कुमार जी का भी एंट्री सर, योगेश कुमार जी बोलिए सर, बोलिए योगेंद्र कुमार जी। जी सर, नमो बुधाए, जय भीम, जय भारत। और सर मैं डॉक्टर योगेश चौहान फतेहाबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ।
सर ये बड़ी अच्छी जानकारी दी है, और इसमें सर मैं थोड़ा सा ऐड अगर कहें तो करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चलो ये तो जो सर ने बात बताई हम लोन ले सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे सारे जो मोहल्ले हैं वो मोहल्ले के अंदर भी अगर हम मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो मजदूरी करने के बजाय अगर अपने जो उसके मकान है उस मकान के अंदर एक सिस्टम बना सकते हैं, भी नीचे हमारा दुकान बन जाए और ऊपर हमारा मकान बन जाए जैसे, तो उसमें ये रहेगा कि उनको जगह की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और पूरे मोहल्ले में हर व्यक्ति एक अलग अलग सामान रख ले, कोई जैसे जैसे सर ने बताया भी कोई किताब रख सकता है, कोई अपने चप्पलों का सामान रखता है, कोई किराने का सामान रखता है, इस प्रकार से कपड़े रखता है। बिल्कुल सर, वी द पीपल के माध्यम से अभी जो 5-10 हजार यूनिट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके फिर शोरूमों की जरूरत पड़ेगी, कुछ हमने कर लिए हैं और कुछ और जो है खोलने की जरूरत पड़ेगी, निश्चित तौर पे आपकी हेल्प जरूर जो है उसमें कहीं ना कहीं काम में आएंगे आप भी, तो सभी लोग एक दूसरे के काम में आएंगे, जरूर आएंगे सर। जी सर धन्यवाद सर, ये मतलब एक मुहिम हम मतलब हम कोशिश कर रहे हैं अभी, नीचे दुकान ऊपर मकान ये हमारा एक लोगो चल रहा है। यह डेफिनेटली बिल्कुल सर ये चल रहा है, पहले से चल रहा है सर। जी सर ठीक है, ओके। लाल जी, हाँ जी, एक मिनट, ये नयपाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी है, और अब आगे हम बढ़ा सकते साथी को। सर मैं एक बार इनसे पूछ सकता हूँ उनसे? पूछो पूछो, फिर अभी खत्म हो रहा, पूछ लो। लास्ट लास्ट बात, क्यों क्यों सर जी नयपाल सिंह जी, सर किसी भी इंडस्ट्री को लाइन को चालू करने के लिए करंट अकाउंट होना जरूरी है या सेविंग अकाउंट? सर अगर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो करंट अकाउंट होना जरूरी है, अदरवाइज तो शुरुआत तो सबकी सेविंग से ही होती है। नहीं, जहां तक मैंने पढ़ा है कि कोई भी बिजनेस चालू करते हैं उसके लिए करंट अकाउंट जरूरी होता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, बाकी आपसे फुर्सत से बात करूंगा। ठीक है सर। सर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, शुरुआत सेविंग से ही हो जाती है, जब ट्रांजेक्शन सर्टेन ट्रांजेक्शन पर डे के हिसाब से जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो करंट से शुरू करंट मांगते हैं फिर बैंक। चलिए सर, सुबह चलिए, जय भीम। थैंक यू नयपाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समाज को विदा पीपल को समय दिया। जो भी साथी किसी भी तरह की एंटरप्रेन्योरशिप या छोटा मोटा जो भी इंडस्ट्री अलग करना चाह रहे हैं तो इनसे अपना संपर्क करें, हर तरह से। बिल्कुल सर, और इसको रिपीटेडली सर इस टॉपिक को बार बार हम लोग जो है इसमें इस टॉपिक को रखें, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप को। महीने में दो दिन मेरी रिक्वेस्ट है, पहले भी आए हो। हाँ सर, तो इसको हम रिपीटेड 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 के हिसाब से हम बिल्कुल रखा जाएंगे सर, तो निश्चित तौर पे सर कुछ और आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। जी बिल्कुल, साधुवाद सर। सर आपका भी धन्यवाद, आपका भी साधुवाद सर, आपने जो है मेरे को जो है इंस्ट्रक्ट किया और मैं भी कुछ जो है सभी साथियों के साथ में बातचीत कर पाया, आप ही सभी लोगों के धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो। हाँ परियार जी, हाँ ठीक है, आगे कंटिन्यू करें, आपके साथ शायद इनका भी नहीं, अभी तो उनका नंबर है लेकिन पहले इनका अभी 9-10 था, अभी बीएस आजाद जी से थोड़ा कंसेप्ट ले लें, फिर रतनपाल केन जी और एसके गौतम जी आएंगे। आजाद जी सुन रहे हैं क्या? बीएस आजाद जी, जी सर थोड़ा सा पीदा पीपल के बारे में बताइए। हाँ जी बोलिए सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत साधु और इस मीटिंग में जुड़े सर मैं अभिनंदन करता हूँ, और सबसे और धन्यवाद मैं आदित्य जी का आवाज डायरेक्टर देना चाहूंगा। सर आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज नहीं आ रही? नहीं, वो थोड़ा सा फैल रही है आवाज। नहीं आ पा रही है सर, नहीं आ पा रही है सर, नहीं आ पा रही है, नहीं आ रही। हाँ थोड़ा सा आई, एक बार बोलिए बोलिए आजाद सर, बोलिए, क्या सुन पा रहे हैं क्या? शायद डिस्कनेक्ट होके वापस ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक परियार जी,
परियार सर, रतनपाल कैन जी मौजूद हैं क्या? एसके गौतम जी वो नहीं है, वो बाहर हैं, दोनों ही बाहर हैं, उनका नेट नहीं आ रहा, नैनीताल में है वो इस समय। जब 10 से 11 होने का टाइम था, आगे मेरी बात हुई थी इनसे। कोई बात नहीं। वो बाहर हैं अभी। ये आज एंटरप्रेन्योरशिप में विजय शेंदे जी जुड़े हैं क्या महाराष्ट्र से? विजय शेंदे जी शायद नहीं जुड़े हैं। सर रमेश कटके, सर कटके सर, चुट्टनलाल जी कंचनवीर जी का एक बार हैंड रेज हुआ, हाँ, आप बोलना चाह रही थी। हाँ आइए मैडम कंचनवीर जी। कंचनवीर जी क्या आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज? आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। अगर आगे बढ़ाता हूँ तो मैं, ये अजीत सिंह जी जुड़े हैं, कृपा अपना इंट्रोडक्शन। चुट्टीलाल जी क्या कह रहे हो? नहीं मैंने कहा वो बोल रहे थे आप, मैं थोड़ा नहीं माइक लगा के अपना चला गया था उधर। कोई बात नहीं, वो मैंने कहा आजादी से शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अभी वो भी नहीं है, 10 से 11 अपन ही कर लेते हैं। रतनपाल कैन जी भी नहीं है, गौतम जी भी नहीं है। कोई नहीं, आगे आप इंट्रोडक्शन, कोई नए साथी है उनसे हैंड रेज कर लेना। ये मैडम कंचनवीर जी है लेकिन नहीं सुन पा रही है शायद। तो अभी नए साथी और कोई आपको दिख रहे हैं क्या? गुलशन जी को ले लीजिएगा, गुलशन जी से इंट्रोड्यूस। आइए आइए बुलाइए सर, बुलाइए गुलशन जी जुड़े हैं इसमें, प्लीज आइए अपना इंट्रोडक्शन दे सर। क्या मेरा नाम लिया था? गुलशन जी अपना चुट्टनलाल जी रतिलाल देसाई जी को थोड़ा 5 मिनट दो, मतलब बीच में आते हैं तो टाइम। देसाई सर आवाज सुन रहे हैं मेरी? देसाई सर सुन रहा हूँ जी। जय भीम नमस्कार, आप पास अपने इसके बारे में थोड़ा बोले अपने जी, बोलिए सर। लाइट ऑफ की तो लाइट चालू कर जी, बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का जो हमारा जो डिस्कशन हुआ ना, एम सिंह जी ने बहुत अच्छी चीज बताई है। हमें जो भी छोटा मोटा व्यवसाय या एंटरप्रेन्योरशिप में अपने के छोटे छोटे गृह उद्योग होते हैं, ऐसे सब शुरू करना चाहिए। और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो हमारे लोगों की घर से ही, हमारी लोगों की दुकानों से ही खरीदी करें, या हमारे लोग जो उत्पाद करे वही हमारा ही उत्पाद है वो दुकानों में जाए। तो इससे एक तो अच्छी बात ये होगी कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट हम लोग बन जाएंगे, दूसरे पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और गांव में रूरल एरिया में भी ये काम हो सकता है, जैसे कि हमने खुद एक प्लान किया है कि अपने जितने भी समन लोग हैं उनके लिए, आजकल आप जानते हो कि जो रिफाइंड ऑयल आता है, रिफाइंड ऑयल जो रिफाइंड ऑयल है वो बिल्कुल उसमें मोर देन 50% तो केमिकल ही आता है और वो सेहत के लिए बहुत खराब है। ज्यादातर लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। तो हमने कच्ची घानी का तेल का विचार किया है, हम वो कच्ची घानी का तेल निकालेंगे। जैसे कि गुजरात में ज्यादा सिंग तेल चलता है, तो किसानों से डायरेक्ट मूंगफली खरीद ले, उसके बाद उसके दाने निकाल के उनका निकाला जाए, उसके बाद उसका बाई प्रोडक्ट भी कुछ होता है वो भी, और सब अपने लोगों को शुद्ध कच्ची घानी का तेल खिलाए तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ऐसी कई चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। आज का बहुत ही टॉपिक अच्छा है और एन सिंह जी ने बहुत अच्छी चीजें बताई है, क्या क्या हेल्प मिल सकती है, क्या क्या कहाँ कहाँ से। तो अगर हो सके तो इसका एक जो छोटे मोटे जो
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो ये सारी चीजें डालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, क्या स्टेट से क्या हेल्प मिलती है या और कोई स्कीम है, तो इसके बारे में अगर एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार करके दिया जाए ना अपने लोगों को, तो वी कैन रेफर देम। डेफिनेटली सर, बिल्कुल। अगले वीक में किस किस उद्योग के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट जरूरत होगी वो मैं बता दूंगा सर। बहुत अच्छा काम है यार, हम लोगों को जो रिटायर्ड आदमी है, जो निवृत्त है, इनको अपने लोगों के लिए सब करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए उनको। बिल्कुल सर, अगली बातचीत में किस उद्योग के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत है वो सारे के सारे मैं बता दूंगा सर। इसमें हो सकता है छोटा सा अपना ऑनलाइन में ही, अगर छोटी बुकलेट बन के ऑनलाइन ही रख दी जाए ना अपनी वेबसाइट से, डाउनलोड कर बुकलेट भी, ओके बुकलेट भी रख देंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी आपका मार्गदर्शन दिया, धन्यवाद जी सर। वेलकम सर, थैंक यू सर। चार पांच हमारे नए साथी हैं, चलो हैंड रेज भी हो गए अभी। सुरेश बोध जी और अनंत, पूरा नाम आगे क्या है, अनंत चौरसिया जी। सुरेश बोध जी, हेलो। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है बोलने से। मैं सुरेश बोध, मलाजखंड मध्य प्रदेश से। मैं हर समय जुड़ता रहा, मगर मैं अभी 10 दिन तक के मीटिंग अटेंड नहीं किया हूँ। मुझे 10 दिन में क्या हुआ क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है ना। मैं आज बालाघाट विपासना केंद्र शिविर में आज भी हूँ। आज मेरा विपासना का मौन खत्म हुआ है, तो मैं देखा आज मोबाइल वगैरह मिला है, तो मैं थोड़ा सा मीटिंग अटेंड किया हूँ। बस अभी इतना ही, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा मैं। चलो चलो, थैंक यू। विपासना करने के बाद मीटिंग की अभी इच्छा रह गई क्या? नहीं, आपका चेहरा, चेहरे पे रौनक दिख रही है, सबके पे एकदम हल्के फुल्के लग रहे हैं। चलो बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। गुड, अभी भी सेंटर में ही बैठा हूँ मैं। गुड गुड। अनंत चौरसिया जी। जी सर, सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज बिजनेस का दिन है, ये सुन करके बहुत अच्छा लगा और आप लोगों के विचार भी बहुत अच्छे लगे। और मेरा निवेदन है कि जिस भी भाई बहन को अगर उसका बिजनेस पहले से कोई सेटअप है और उसे मैन पावर की आवश्यकता है,
आंटी मम्मी का कौन है? तो आप कौन से में ले आओ उनको नमो बुद्धाय जय भीमकर सबको नमो बुद्धाय जय भीमकर पूरा दुकान खोलने कहीं भी रेट कुछ नहीं है सर मोल में ज्यादा नहीं हम कहीं भी पूरा समझ रहे हैं
नमो बुद्धाय जय भीम करते सर। नमो बुद्धाय जय भीम सभी को। अभी ट्रेन में तो नहीं है सर? हाँ ट्रेन में हो, तीसरी ट्रेन में ही हो। जय भीम सर। आज मंत्रालय में मीटिंग थी सेक्रेटरी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बॉम्बे गए हो आज? हाँ। अच्छा अच्छा, जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय विनय कुमार जी। On myself, Vinay Kumar Varma, Executive yes. Engineer, Hardogan Thermal Power Project, Kashimpur, Aligarh. Ji, bilkul sahi. बोल तो कोई भी ना, तो बोलने का बात क्या है? अभी सब चुप है। मैं बोलूंगी आवाज आएगी? बोलिए सर, कुछ तो बोलिए। और क्या बोल सर, कुछ तो बोलते रहिए सर। हाँ बिल्कुल, ऐसे चुप नहीं बैठना है अपने को। बिल्कुल सही बात। लखनऊ से सभी को जय भीम नमो बुद्धाय टू ऑल ऑफ यू सर। जय भीम नमो बुद्धाय डॉक्टर साहब। सर मैं डॉक्टर नहीं, इंजीनियर हूँ। अच्छा अच्छा, लखनऊ से मैं डॉक्टर आर एस लग रहे थे सर। वेलकम सर, वेलकम। आपसे आपसे कभी मुलाकात करनी है सर, चाय पीनी है? बिल्कुल सर, कभी भी आ जाओ सूरत। मैं पीजीआई के सूरत। लंबा हो गया जी सर। कौन नहीं हो रहा है सर? माइक हो रहा है किसका? ये करमवीर साहब की आवाज लग रही थी। अच्छा नहीं, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। सभी बुद्धिजीवी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। कर रहा हूँ सर मैं। लोगों को अनम्यूट करिए सर, नहीं हो रहा है क्या? सभी साथियों को जय नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सभी श्रवण संघ के साथियों को नमो बुद्धाय। आज का कार्यक्रम 8:10 हो गया, तो लगभग अभी हमारे पास 34 साथी आ चुके हैं। यदि आ गया हो तो हम शुरू करते हैं। हाँ जी बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं सर? आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ गया हो तो शुरू करते हैं। अभी 50 लोग होने को है सर, 50 लोग होने दीजिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। अंदेशा ना कि 50 इंजीनियर होंगे तभी होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। नहीं बिजनेसमैन भी है सर आज, बिजनेसमैन। जी हाँ जी, बिजनेस भी है। इंजीनियर के पास तो पैसा रहता है, इंजीनियर के पास कागज रहता है।
बात हुई थी क्या उससे? साफ से कर लो मैं तभी एक मीटिंग में हूँ, मैं उनसे हिसाब से बोलते हैं, हिसाब बात करेंगे वो, है ना? हिसाब लगा के लाजपत नगर मार्केट है, आपको कोई परेशानी तो नहीं? नहीं कोई परेशानी नहीं। अगर कोई दिक्कत हो जी बता दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इधर रुक देंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइकिल ले चला दीजिए, ओके कर दे बंद, मैं तुम्हें भेजा गया। अच्छा नंबर बता देना, आइए खाना खा रहे हूँ। बोलिए सर, बोलिए सर, क्या हुआ करमवीर जी, आवाज आ रही है क्या? करमवीर सर, माइक ही कहाँ चला गया करमवीर जी का? माइक और वीडियो सर दोनों गायब थे, वीडियो आ गई, माइक अब भी नहीं आया। हाँ माइक नहीं आ रहा है, हाँ। नेटवर्क का लग रहा है इशू, क्या है? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर, आ रही है, लेकिन उसमें नहीं दिख रहा माइक, पार्टिसिपेंट में जो माइक दिखता है ना वो दिख रहा है। वो तो नहीं, नहीं मैं कहीं रास्ते में हूँ। अच्छा इसलिए, हाँ अभी आया, वीडियो ठीक ढंग से नहीं आ रही होगी। हाँ रास्ते में, रणवीर साहब रास्ते में भटको मत, फोन एंकरिंग कर रहा आज आज जब भी होता है ये रास्ते में हो ना, पहले रहेंगे नंबर पर अपने राजेंद्र जी और अतेंद्र पाल जी। हाँ ट्रेन में हूँ, ट्रेन में हूँ सर, अभी एंकरिंग में 8 से 9 में अतेंद्र पाल जी और राजेंद्र सिंह जी, इंजीनियर राजेंद्र सिंह जी। अच्छा 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 अच्छा, और 9 से 10 में मैं रहूंगा और इंजीनियर नेपाल सिंह जी, 10 से 11 में रतन पाल केन और एस के गौतम जी। अच्छा अच्छा, गाड़ी में ड्राइवर से बात ना करे साहब? नहीं ये तो कान में लगा रहता है सर, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या चौथरपा मार करनी है ना सर। डॉक्टर साहब कहा रहे तो कई दिन में दिखाई दे रहे हो? डॉक्टर यूवी सिंह जी,
नहीं डॉक्टर वर्मा जी। अच्छा वर्मा जी नहीं डॉक्टर नहीं साहब इंजीनियर। आप इंजीनियर हो? हाँ जी जी। और कासिमपुर पावर आपने आपने सुना होगा यूपी में जहाँ बिजली बनती है अलीगढ़ के पास में। हाँ अच्छा अच्छा तो बगर बगर उसके बिजली बनाना चाह रहे हो? अजी हाँ वही काम चाह रहे हैं। बच जाए किसी तरीके से ना कोयले की जरूरत पड़े ना पानी की ना एटॉमिक की। अभी कोयले की किल्लत इतनी बता दी गई है कि हमको मॉनिटर करने पर सर कुछ ना कुछ हो सकता है। नहीं इसको भी इसको बेचने का प्रोग्राम है सर जी। आप लोग नहीं समझे इसको गहराई समझ गए सर। अडानी ग्रुप को बेचने का चल रहा है। हाँ बस मेन वही है हम लोगों को बल्ला बहुत पंगू बना दिया जाएगा लेकिन चलिए आप लोग हम लोग साथ है तो वो कोई कुछ कर पाएगा। जो प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ में विमान खरीद लेता है खुद के लिए वो 18,000 करोड़ में एयरलाइंस खरीद देता है कितना मतलब। अब हम अपने बिजली की बात नहीं बताएंगे क्या क्या काम हुए क्या नहीं हुए लेकिन हम लोगों को बचाना है। मतलब उससे कम पैसे में बहुत को ला सकता था पता नहीं लोगों ने कंप्यूटर कंप्यूटर लगाने में कितने पैसे खर्च किए। नौ तो ऐसे ही बच जाएंगे सर अपने 8,500 में। उद्देश्य का 45 होते पढ़ा दिया जाए मेरा सुझाव है 50 की जीत जान लग गया चलेगा सर प्लस माइनस 5 में कोई दिक्कत नहीं। वही आज उद्देश्य का कौन पढ़ना चाहेंगे सर? राजेंद्र जी कहाँ है? इंजीनियर राजेंद्र जी संभालो भाई किधर गए इंजीनियर राजेंद्र जी। हेलो हाँ जी संभालिए सर बात करते रहिए आप एंग करो सर 8 से 9। हाँ जी हाँ जी मैं तो मांगा था परमिशन आपकी हो तो मां शुरू करते हैं सर आप बोले 50 होने दो। नहीं 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 करिए सर आप कुछ भी करिए आप 8 हाँ जी सर मालिक हैं ठीक। हाँ जी हाँ जी मालिक तो सभी हैं। सभी समन्वय संघ के सदस्यों से अनुरोध किया जाता है जो भी अपनी तरफ से इच्छुक हो तो उद्देशिका को पढ़ा जाए। लखपत सिंह का नाम बताइए सर। जो भी अपनी वॉलंटरी है सर कोई भी अर्जी चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। लखपत सिंह का बता दीजिए। लखपत सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? लखपत सिंह जी 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 बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। हाँ जी रैम्बल को शुरू करें सर। शुरू कर दें सर। हाँ जी सर अभी 42 हुए सर अभी। कोई बात नहीं सर आ जाएंगे मिल जाएंगे साथ साथ। ठीक है थैंक यू सर। हाँ जी थैंक यू। भारतीय संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना के स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संबत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान जय भारत जय भीम। आपका धन्यवाद और सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेम्बल का उद्बोधन किया। मैं अभी जो भी हमारे नए सदस्य हैं उनसे बारी बारी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना हैंड रेज करें जिससे कि हमें आगे का संचालन करने में सुविधा हो और आपका परिचय लेने में किसी भी तरह की बाधा उपस्थित ना हो। उद्देश्य का अंग्रेजी में पढ़ सकता है सर कोई? हाँ जी सर जी उद्देश्य का अंग्रेजी में भी कोई पढ़ता था सर?
सर आप पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा सर। बिना तुम्हारे मैं सीख रहा हूँ, अंडर ट्रेनिंग हूँ ना मैं, अभी बुद्ध धर्म का कोर्स करने जा रहा हूँ 20 से लेके 31 तक, उसके बाद पढ़ूंगा 100% पढ़ूंगा सर। जी सर जी, मैंने भी आज डॉक्टर साहब ने, मोतीलाल जी आलमचंद जी ने दो किताब भेजी हैं, मैं सोच रहा हूँ पाली पढ़ूं, कैसे आती तो है नहीं, अभी सीखना पड़ेगा। आज मिल गई है किताब, क्लास भी होती है छुट्टन लाल जी 7 बजे, दोनों किताब में लेके बैठा हूँ ढूंढ रहा हूँ। 7 बजे सुबह सर, सुबह होती है क्या? सुबह 7 बजे होती है, वैसे मैंने अटेंड नहीं करी पर 7 से 40 मिनट की बता रहे। अच्छा, दो किताब मंगा तो ली, अब उनसे ही पूछूंगा, उनको सिखाओ तो सही। सर पाली, सर पाली भाषा का फोटो स्टेट सेंड कर दीजिए ग्रुप में सर। अच्छा अच्छा, प्रेमल इंग्लिश में शुरू कर रहे हैं क्या सर? नहीं नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अगले महीने से करूंगा जब मैं दीक्षा लेके आ जाऊंगा तब। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। हाँ राजेंद्र जी चालू करिए सर, अभी टाइम हो गया। हाँ जी हाँ जी, शुरू कर रहे हैं सर। अभी जो भी साथी हैं सर उनका देख रहे हैं, जिसका हैंड रेज है तो नए कोई है तो ऐसा कोई अभी नहीं है, हमारा नया कोई साथी नहीं है ऐसा। काशवीर जी है, उनको देख लो। हाँ जी हाँ जी, मैं 2-3 नाम नोट किए हैं सर, एक तो लखमीर सिंह जी हैं सर, एक मुरादाबाद से लखमीर सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक मुरादाबाद जो है सर डॉक्टर जसराज सिंह सर, जसराज सिंह सर जी मुरादाबाद, डॉक्टर डॉक्टर ना सर ये। ठीक है सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉक्टर जस रावत सिंह जी आवाज सुन रहे मेरी? डॉक्टर जस रावत सिंह जी, हाँ जी आवाज सुन रहे सर, इंट्रोडक्शन दीजिए आप प्लीज। हाँ जी, मेरा नाम जस राम सिंह है, मैं अम्बेडकर नगर लागड़ी बाजलपुर बाबा निवास हूँ। आपका साउंड में ब्रेक हो रहा सर, थोड़ा सा साउंड ब्रेक हो रहा, सुन नहीं पा रहे हम सही से जी। हाँ जी हाँ जी, फिर हम दोबारा से कॉल करते हैं सर एक बार। इनका जो नेट का लगता है, हाँ जी नेट का दिक्कत है सर जी, यही होता है सर। रमेश चंद नरवाल जी हैं सर, रमेश चंद नरवाल जी, मेरी आवाज को सुन रहे हैं रमेश चंद नरवाल जी? रमेश चंद नरवाल जी, पीवी नवल जी, पीवी नवल जी आवाज आ रही है सर? जाखूलाल जी हैं, जाखूलाल जी सर, प्रकाश भी बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर जी, जी सर, जय भीम सर, जय भीम सर, आप इंट्रोडक्शन दीजिए सर जी थोड़ा। जी जी, मैं मुरादाबाद से हूँ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे में हूँ मैं, अपना पीवे के। हाँ जी हाँ जी 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 जी, और ये मुरादाबाद कितने दिन से ज्वाइन कर रहे हैं सर जी, ये भी बता दीजिए सर। जय भीम सर, पहली बार ज्वाइन किया है। अच्छा, कैसा लग रहा है सर? सर धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। हाँ जी सर, प्रदीप जी से बोलिए अपना नंबर छोड़ भाई, रेलवे वालों को तो मैं छोड़ता हूँ। बहुत स्वागत है,
सभी सभी न्यू कुमार से रिक्वेस्ट है कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर इसमें चैट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि आप सिरजमान जी इंट्रोडक्शन नहीं हो पाता है किसी भी रीजन से, तो हम आपसे कॉन्टेक्ट कर पाए। जाखूलाल जी हैं, जाखूलाल जी जाखूलाल जी मेरी आवाज शायद नहीं जा पा रही है। रमेश चंद नरवाल जी दोबारा से कॉल कर रहे हैं, रमेश चंद जी नरवाल नहीं आवाज आ रही है। और जो भी नए साथी हैं वो कृपया हैंड रेज कर दें। दिलीप कुमार हरिद्वार से हैं हमारे, दिलीप कुमार हरिद्वार से आवाज सुन रहे हैं मेरे? हाँ जी सर जी, दीजिए इंट्रोडक्शन। मैं सुन रहा हूँ मीटिंग से, तो रोज जुड़ता हूँ थोड़ा, फिर भी कर दे क्योंकि अभी मैं ड्यूटी में हूँ। ठीक है ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बाद में मैं बोलूंगा जो अपना। ओके सर जी, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे और न्यू कमर जो भी हैं, किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है। लखमीर सिंह जी हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं? लखमीर सिंह जी, मिथिलेश कुमार जी का, मिथिलेश कुमार जी आवाज सुन रहे हैं सर? हाँ सुन रहा हूँ सर। सर इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। सबको नमो बुद्धाय, जय जिन। हाँ जी नमो बुद्धाय। हाँ मेरा जनपद बलिया है। ठीक, मैं पहली बार आज ज्वाइन किया हूँ। आपको कैसा लग रहा सर? लिंक कहाँ से मिला आपको? लिंक मिला है डॉक्टर आर एस स्वामी जी है, हमारे जीजा जी। अच्छा जी, और कैसा लग रहा है लिंक मिलने के बाद? आपको ज्वाइन किया आपको 5-7 मिनट हो गया जैसे देख रहे हैं। अच्छा लग रहा, पहले भी एक दो बार ज्वाइन कर किया था, लेकिन अभी जैसे अभी ड्यूटी में ही हूँ तो ड्यूटी। हाँ जी हाँ जी, मैंने चलो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। और आप अपने जो जितने भी जी, अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर छोड़ दीजिए। मिथिलेश जी, हाँ हाँ जी जी बताइए। हाँ अरे डॉक्टर स्वामी बोल रहा हूँ, वेलकम। हाँ जी हाँ जी, बहुत वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लगा। बलिया के बहुत लोग जुड़े हैं। हाँ बलिया से बहुत लोग जुड़े हैं आज जी, बहुत लोग जुड़े। अच्छा हाँ मैं भी थोड़ा ड्यूटी में हूँ इसलिए डिस्टर्ब हूँ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। हाँ अच्छा ओके, जय भीम। हाँ जय भीम जय भीम। चलो ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब आपका भी। गैलेक्सी जे 7 प्राइम से हैं, सुन रहे मेरे टाइम? गैलेक्सी जे 7 प्राइम से आवाज आ रही है मेरी? गैलेक्सी जे 7 से नाम सेव है, हैंड रेज किया हुआ है। गैलेक्सी जे 7 से नहीं आवाज आ रही सर। न्यू कमर साथी कोई हाथ उठा नहीं रहे हैं। एसपी प्रजापति जी हैं, मेरी आवाज आ रही है? एसपी प्रजापति। हेलो। हाँ जी सर जी, आप इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जसपाल सिंह एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। हाँ जी हेलो सर, आवाज आ रही है? आपसे ज्वाइन कर रहे हैं सर जी। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है सर जी। कब से ज्वाइन कर रहे हैं? लिंक कहाँ से मिला सर आपको?
मेरे को हो गया सर 3-4 महीने हो गया लगभग ज्वाइन करते हुए। हाँ जी हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम? ठीक है, वो इन्फेक्शन बढ़ा हुआ बता रहे हैं। और इसमें आगे प्रगति कैसे की जाए जी? इसमें आगे प्रोग्रेस कैसे की जाए उससे संबंधित आपका सजेशन हो? हमारे हमारे समाज को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए और नहीं तरीका तरीका तो बताए ना जोड़ने का सर, विद द पीपल के द्वारा ही जोड़ा जा सकता है। धन्यवाद सर आपका। ओके सर, एक जांच और कराइए, उसकी रिपोर्ट कल को आएगी। बद्री प्रसाद योगेंद्र कुमार जी आए हैं। योगेंद्र कुमार जी इसकी माइक जो है वो अनम्यूट है, वो कृपया म्यूट कर दें। तू भी गया था? तू भी गया? कल बोतल लगवाई हाँ, मगर कहाँ घर को ना बताया किसी को, घर वालों से कह दिया मेरे रोटी मत सेकी हुई है, घंटे बाद जाऊं आऊंगा कहीं बैठना। जांच करवा के लाए थे आज, साई में ले रहे थे आज। ओ अच्छा, वो थोड़ा जिनकी आवाज आ रही है उनको म्यूट करें। बद्री प्रसाद है प्रकाश, ये राजेंद्र सिंह जी बद्री प्रसाद न्यू लग रहा है, पहले नहीं है, फर्स्ट टाइम है। उनका लिंक नेट गया क्या राजेंद्र जी का? लगता है नेट गए, वो है नहीं। राजेंद्र जी आप देख लो, छुट्टे लाल जी इतने जी वो नहीं आते इतने। शायद उनका गया है। जो भी नए साथी हो कृपया अपना हैंड रेज कर दें। सर मैं हूँ मनीष बोध। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए मनीष जी, अपना अपना परिचय दीजिए, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ फिलहाल, मैं अभी तो अभी 12th पास किए बायोलॉजी सब्जेक्ट से। और मैं एड्रेस बता दूं, मैं लायरा से हूँ, विलेज लायरा और डिस्ट्रिक्ट विदिशा और तहसील कुरबाई एमपी से। आपने 12वीं पास किया है? हाँ इस साल 12वीं पास किया। अच्छा, तो विदा पीपल के लिए कहाँ से मिला है आप मनीष जी लिंक? सर जो मेरे लिए जो लिंक मिली थी टेलीग्राम पर। अच्छा टेलीग्राम से लिया आपने, टेलीग्राम से जुड़े हुए आप? हाँ टेलीग्राम पर जुड़ा हुआ था, तो वहां पर क्या पोस्ट फॉरवर्ड की होगी किसी ने। अच्छा, तो पाली भाषा जो मतलब कि अपन बहुजन समाज से इतिहास रहा जो भी बताते हैं वो पाली भाषा से अपना दिलचस्प रहता है, इसलिए तो जहां देखा हमने सीखने के लिए इच्छुक थे तो इसलिए फिर कॉन्टेक्ट किया। बिल्कुल, अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाइए और पढ़ाई में अच्छे से मन लगाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद बहुत बहुत जुड़ने के लिए। ये गैलेक्सी 17 प्राइम कौन सा है? गैलेक्सी 17 प्राइम कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और परिचय दें। गैलेक्सी 17 प्राइम आवाज नहीं आ रही है क्या? अशोक कुमार जी आप दीजिए अपना परिचय। अशोक कुमार जी आपका एंड्रेज है, आपको आवाज आ रही है क्या अशोक कुमार जी? जी सर आपकी आवाज हमें आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल बोलिए सर। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं जनपद जौनपुर से हूँ। आपका वीडियो ओपन हो सकता है क्या? मेरे यहाँ लाइट नहीं है सर, थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो जाने रखते हैं। तो मैं पेशे से टीचर हूँ, प्राथमिक विद्यालय में हेड मास्टर पद पे कार्यरत हूँ और मुझको ये लिंक जीडी निरंकारी साहब से प्राप्त हुआ है। जी वेरी वेरी थैंक यू। हाँ जी जी, और मैं इसमें काफी दिनों से जुड़ रहा हूँ, लगभग 1.5-2 महीने हो गया। अच्छा, और जुड़ने के साथ साथ ही आज समाज के अन्य लोगों को भी जोड़ रहा हूँ
बिल्कुल, आप तो पुराने हो गए हैं सर, और आपको तो जुड़ना ही है, बहुत दिन हो गए। क्या सर थोड़ा बहुत एक आध मिनट आप बता सकते हैं क्या आप कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, ये अनन्य विकल्प है। हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो संवैधानिक जातियां हैं, समाज है, खासतौर से समर समाज के लोगों के लिए इससे बेहतर विकल्प कुछ नहीं है। उनके जीवन में सरलता सहजता लाने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए, मान सम्मान बरकरार बनाए रखने के लिए और इसमें वृद्धि के लिए इससे बढ़िया और प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, और आप संगीत की विचारधारा से परिचित हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत बहुत साधुवाद। अरे सर सर जट्टालाल सर सर बोलिए सर बोलिए सर बोलिए अशोक कुमार जी सर 2 महीने से जुड़े हैं। हाँ जी, और जौनपुर में ये चला रहे थे, हमने कल सदन में इनके नाम का प्रस्ताव किया था। अच्छा। तो आज मेरे अनुरोध पर इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया 2 महीने में। इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देते सर, ये तो जानते अशोक कुमार जी, ये अशोक कुमार जी मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? अरे सर हम अगर एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा? बिल्कुल सर, अब तो इनके ऊपर जिम्मेदारी है सर, आप काम करेंगे या प्रवक्ता? बिल्कुल, अभी तो आ गए हैं, आप जिम्मेदारी दे रहे हैं। निरंकारी साहब बहुत अच्छे अच्छे लोग ढूंढ के लाते हैं। लिखा पढ़ी की जिम्मेदारी सर भले ही ना दे, मैं स्वयं में अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल, सर हाँ जी, नाम और नंबर चैट बॉक्स में दबा देना। जो भी जुड़े हैं अपने नाम नंबर मोबाइल कहाँ से हैं क्या करते हैं चैट बॉक्स में डाल दें प्लीज। हेंडरेजे विनय कुमार जी नवादा जी हैं। हाँ जी सर, आगे के राजेंद्र जी आपका? हाँ जी हाँ जी, हाँ लिंक नेटवर्क का इशू था सर। हाँ जी सर, आप संभालिए सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। विनय कुमार नवादा जी आवाज सुन रहे हैं? विनय कुमार नवादा, नमो बुद्धाय। हाँ जी सर, इंट्रोडक्शन प्लीज सर। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हाँ सर, मैं नवादा ग्राम धनकोर। हाँ जी, ग्रेटर नोएडा। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है विद द पीपल से जुड़ के। मेरी तीसरी मीटिंग है ये। हाँ तीसरी मीटिंग है सर मेरी सर। और कंटिन्यू जुड़ते रहिए सर, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में है सभी को इस विचारधारा से अवगत कराएं। श्रमण संघ की जो भी विचारधारा है उससे सभी को, जिससे कि हमारे समाज आपका और हमका सबका भला हो। थैंक यू सर, थैंक यू। उसके बाद है गैलेक्सी J7 Prime से है, गैलेक्सी J7 Prime से रेज हैंड किया हुआ है, 2-3 बार कॉल भी किया फिर भी आवाज आ रही है, तो मेरी साथी आए गैलेक्सी J7 Prime, शायद नहीं आवाज सुन पा रहे हैं। रण सिंह जी रण सिंह जी आवाज आ रही है सर? रण सिंह जी के पास भी शायद आवाज नहीं। और न्यू कमर कोई हमारे साथी हैं तो हैंड रेज करें प्लीज। भेरूलाल मालविया जी हैं, भेरूलाल मालविया जी। राजेंद्र सर। हाँ जी सर जी, ये गैलेक्सी J7 और J6 ये दो लोग जुड़े हैं। हाँ, लेकिन J7 हाँ जी हैंडरेज था, और जैसे ही आपने नाम बोला इन्होंने हैंडरेज हाँ लिया और यह परिचय भी नहीं दिया। जरा इनको पुकारिएगा है कौन ये? ये बुला रहे हैं बार बार, 3 बार बुलाया मैंने सर, लेकिन चला गया हुआ हैंड। J7 ने भी हटा लिया, और J6 ने भी, दोनों का। इसका मतलब वो लाइन पर तो थे तो? हाँ जी हाँ जी, पहले हैंडरेज था। हाँ उनको एक बार देखेंगे जो
दोनों समय है सर, मीटिंग में है। हाँ जी मीटिंग में है सर दोनों। इनको होल्ड, ये होल्ड पे डाल दिया। गैलेक्सी गैलेक्सी जे सेवन से मेरी आवाज सुन रहे सर? जे सिक्स भी है। हाँ जी हाँ जी, जे सिक्स भी है सर जी। जे सेवन का तो वीडियो भी ऑन है। हाँ जी वीडियो ऑन है ये। और नए साथी हमारे कोई सर नहीं आ रहे हैं, कोई अर्जे वॉलेंट्री कोई देना चाह रहा है तो वो इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हाँ जी सिंह जी बोल रण सिंह एक्स डिप्टी कमांडेंट है सर। नए जो भी साथी हैं हमारे वो कृपया अपना हैंड रेज कर दें जिससे कि आगे हमें आपको प्रोग्राम चलाने में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और जो भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप हैं, बिजनेसमैन हैं, यदि उनमें कोई भी प्रेजेंट है तो कृपया करके अपना या तो हैंड रेज करें या फिर वो सेल्फ अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए कॉल कर सकते हैं सर। दिल्ली से नितिन जी हैं, आप उनको बुला सकते हैं। नितिन जी जी, नितिन जी आवाज सुन रहे हैं सर जी? नितिन जी मैं नूतन बोल रही हूँ, नूतन दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ नूतन जी बोलिए जी इंट्रोडक्शन। नूतन दिल्ली से स्पोकन। हाँ जी अमर कॉलोनी सर, कुछ लोगों के माइक खोले हुए हैं दिल्ली में गांधीनगर। अपना माइक मेरी आवाज आ रही है मैडम जी? हाँ जी हाँ जी आप कर लीजिए अपना वो। जी थैंक्स। सबसे पहले सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और मैंने ये लिंक इस पे यूट्यूब में मैं सर की जो वीडियो देखती रहती हूँ तो उसमें से मैंने ये प्राप्त किया था, तो मुझे भी लगा कि मैं पूछना चाहती थी क्या मैं जुड़ सकती हूँ इसमें। हाँ जी हाँ जी मोस्ट वेलकम है। आप अपने जितने भी फैमिली मेंबर है वो और साथ में अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उन सबको आप जोड़ सकते हैं और डेली आपको लिंक मिलेगा। आप अपना चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिए मैम। हाँ जी जैसे भी होगा हम उस। हाँ जी हाँ जी आपका धन्यवाद। हाँ हाँ जी नमो बुद्धाय। सभी साथियों को राम राम जय हनुमान। क्या गंदे देखो ना क्या रियल सलाह होगा। कृपया जो भी माइक पे बोल रहे हैं सर वो या तो प्रॉपरली पहले कॉल करें या फिर उनको एक बार लाइन पे ठीक से जिससे कि सभी को सुनाई दे। बीच में आवाज का पता नहीं चल पा रहा कि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या अपने उस पे बात कर रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि उस चीज को इग्नोर ना करें जो बार बार बताया जा रहा है। हमारे कोई भी नए साथी जो आए हैं कृपया हैंड रेज करें कोई जय श्री राम जय हनुमान वाले कौन है पता करो कौन है। कौन से जी? अभी जय हनुमान जय श्री राम बोल रहे थे ऐसा तो नहीं बोल रहे भाई जरा आओ सामने तो आओ। सामने तो आओ ना उसका दिखाएं तो आई थी आवाज। हाँ तो वो सामने नहीं आया ना वो बैकडोर में तभी तो मैंने बोला कि यदि कोई है तो ऐसा वो सामने आए उस चीज को। हाँ सामने आए थे। हाँ जी हाँ जी अजय आप किसी पे लिंक कर दे है तो आप उस चीज को जो भी होस्ट हमारे हैं वो उस चीज को देखें कि वो कौन कॉलिंग कर रहा है उसको या तो अनम्यूट कर दें उसको या फिर उसको रिमूव कर दें। सर अगर अननोन पीपल है।
हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नए साथी में और तो कोई नहीं आ रहा, एक पीवी नवल जी हैं, इनका हो गया शायद। पीवी नवल जी सर हो गया, हो गया ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद सर, हो गया आपका। और हमारे साथी एक संजय वानखेड़े जी हैं, संजय वानखेड़े जी राजेंद्र, संजय वानखेड़े जी आपकी आवाज नहीं आ रही, पा रही है, कट रही है सर। संजय वानखेड़े जी की आवाज नहीं है, आपको बाद में लेते हैं सर। राजेंद्र कुमार हैं सर, राजेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, जी हाँ सर, नमो बुधाय। नमो बुधाय सर, आप इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं प्रोफेसर राजेंद्र कुमार राम, एसोसिएट प्रोफेसर एजुकेशन फैकल्टी, सतीश चंद्र पीजी कॉलेज बलिया उत्तर प्रदेश। हाँ जी सर, शिक्षा संकाय से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, कितने दिन से जुड़ रहे हैं सर जी? हमको जुड़े हुए लगभग 2 महीना हो गया। एक अपना हमारे एक शिष्य हैं यही मऊ रतनपुरा के। हाँ जी हाँ जी, तो सबसे पहले उन्होंने हमको इनवाइट किया कि सर आप इसमें जुड़िए। हाँ जी, और जुड़ने के साथ ही हम लगभग 50-60 मित्रों को भी इसमें जोड़े हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर अभी लगे हुए हैं, जो भी बिल्कुल संपर्क में आदमी आता है अपने समाज के, हाँ जी हम प्रयास करते हैं बिल्कुल। और लगभग प्रतिदिन मैं प्रयास में रहता हूँ कि जुड़ जाऊँ, कहीं व्यस्तता नहीं रहती है तो। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, साधुवाद इसके लिए। थोड़ा वीडियो मैं म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए कि सफर में हूँ। कोई नहीं, धन्यवाद सर, कोई बात नहीं, कोई बात। और आप बहुत बहुत साधुवाद सर आपको, धन्यवाद सर जी। डॉक्टर साहब जी, राजेंद्र सर आपको बहुत बहुत साधुवाद सर, आप जुड़े। हाँ, मैं डॉक्टर स्वामी लखनऊ से। जी हाँ सर, बीच में एक बार मैं डिलीट हो गया था, फिर कई बार रिक्वेस्ट किया तब जुड़ पाया। अरे सर वो तो वो गलती से किसी वजह से हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्वागत है आप सर। एक मिनट, उसके लिए मैं एक्सक्यूज कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे किसी कोई बात नहीं है, नहीं ऐसा कोई वो नहीं है सर। यहाँ पे हमारा ही किसी मित्र बंधु की गलती से मैं आउट हो गया था, लेफ्ट हो गया था सर। ये मोबाइल है, डिजिटल है ये, इसमें कोई इस तरह का ऐसा कुछ हो सकता है, वो यू डोंट टेक अदरवाइज सर। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर, आप सुनते रहिए। किसी का आप लग गया था वो उसी ने डिलीट कर दिया था। ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके सर, नमो बुधाय सर, नमो बुधाय सर। अजय प्रकाश जी लोथर हैं, अजय प्रकाश लोथर जी, अजय प्रकाश लोथर जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सर, नमस्ते सभी को। नमस्ते, जय भीम सर जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मेरा नाम अजय प्रकाश है, मैं झांसी से हूँ और मैं वर्तमान में रेलवे में कार्यरत हूँ। मैं काफी समय से बी द पीपल से जुड़ा हूँ, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है मैं जरूर अनुभवी साथी और विद्वान साथियों के विचार सुनने के लिए जुड़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ सीख सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। जय भीम, ठीक, धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद। अपने जितने भी आपके मिलने जुलने वाले हैं इस विचारधारा के, समान संघ की विचारधारा के साथ, उनका भी जोड़ने का प्रयास करें, उनको विचारधारा से बताएं आज के सापेक्ष में जो चल रहा है वर्तमान, और हम अपने आने वाली जनरेशन को ताकि सुख सुविधाएं और अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करें उस बारे में
समाज को हम जागृत कर सके, ये हमारे पढ़े लिखे लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है। और जो हमने प्राप्त किया है उसको आने वाली जनरेशन में हम उसको अच्छे से दे करके जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब आगे मैं साथी जो है हमारे को ऐसा गोविंद राम जी हैं। गोविंद राम जी आवाज सुन रहे मेरी? गोविंद राम जी, विजय बोध जी हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं? संतराम जी हैं, संतराम जी, संतराम जी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। अच्छा सर, उसकी नेटवर्क का दिक्कत हो सकता है सर। संतराम जी बोल रहे हैं आप सर? नहीं, आपकी आवाज तो बहुत बढ़िया आ रही है सर। वो दूसरे की शायद नहीं कह रहे थे, हाँ हो सकता है, हाँ नेटवर्क का भी इश्यू कई बार हो जाता सर। एकदम साफ आ रही है एकदम। हाँ जी, हाँ जी, संतराम जी, संतराम जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनिल कुमार जी हैं, अनिल कुमार जी, अनिल कुमार जी, प्लीज सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जय भीम नमोबुद्धाय सर। जय भीम नमोबुद्धाय जी। सर मैं जौनपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, पेशे से मैं सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बिल्कुल, मैं अभी आई एम वर्किंग इन महिंद्रा कंपनी जी, बिल्कुल, इन पुणे। वो अभी तो घर से ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी थोड़ा। अच्छा, कोरोना की वजह से। हाँ, और मैं समाज और वी द पीपल से मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ है, जब भी टाइम मिलता है मैं मीटिंग ज्वाइन करता हूँ सर। और मैं अपने हेलो थोड़ा सा हाँ नजदीक करके आवाज थोड़ी सी कम बता रहे हैं जी सर जी। और हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे सर करीब 10 साल का मुझे टेक्नोलॉजी का अनुभव है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का। और हाँ जी, तो मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी मिशन में मदद की जरूरत होगी सर, मैं मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ सर। और मैं चाहूंगा कि कोई भी सर मेरे द्वारा हो तो मैं बहुत खुशी होगी सर। ये परिहार सर, बहुत बहुत परिहार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिहार सर जी, जी बोले। हाँ मैं डॉक्टर स्वामी बोल रहा हूँ सर, ये अनिल जी जो आए हुए हैं। हाँ ये हाँ जी, हाँ जी, इंजीनियर अनिल कुमार जी आए हुए हैं जी। जी हाँ, सॉफ्ट इंजीनियर है डॉक्टर साहब जी। जी तो ये मैंने नोट, हाँ नोट कर लीजिए सर। और ये अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए रेडी हैं सर, इनका हाँ जी, हाँ ये 10 ईयर एक्सपीरियंस है इनका। और हाँ जी, हाँ जी, सॉफ्ट इंजीनियर है महिंद्रा में, अभी पुणे में लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो इन्होंने अपनी 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 इच्छा को मुझसे भी जाहिर किया था, तो हमने बोला था कि आप आइए, आपका आपकी जरूरत है। और अनिल जी आपको बहुत बहुत साधुवाद सर, आप जुड़ते रहिए। बहुत बहुत साधुवाद सर। हाँ जी, धन्यवाद, जरूर सर, जरूर सर, बिल्कुल। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम सर नमो बुद्धाय। आगे इसी में हमारा रेज हैंड तो कोई है नहीं, यदि कोई साथी नया ज्वाइंट किया है तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है। हमारे पास 6 मिनट है, फिर हम अपने कंसेप्ट के ऊपर जो भी हमारा होगा उसको हम कॉल करेंगे, वो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। परियार सर को नया तो है नहीं हैंड रेज में, जसराम जी को बुलाइएगा, जसराम जी अनिल कुमार जी का तो हो गया। हाँ जी, हाँ जी, जसराम जी हैं, जसराम जी, बहुत डिस्टरबेंस भी हो रहा है। एक दोहरे, एक दोहरे साहब हैं हमारे बीच। हाँ जी, बीच में बिजनेस के बारे में कुछ बताएंगे। जसराम जी हैं, जसराम जी, और एक दोहरे जी को भी बुलवाइए, इनवाइट कीजिए। ठीक जी, जी
बोलिए सर जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। नमो बुद्धाय जय भीम जी। नमो बुद्धाय जय भीम जी। कंचन जी और कैसे हैं? अच्छे हैं जी। धन्यवाद सर, साधुवाद साधुवाद। आवाज जसराम जसराम जी, आपकी आवाज नहीं हो पा रही है, क्लियर कट आ रहा है, आप वेट करिए, हम बुलाते हैं ए के दौरे जी को, कॉल करते हैं सर। ए के दौरे जी,